Okay, going live in 10 seconds. Live on. Yes, I think that live is on. आप ले 20 सेकंड्स ओके गाइस, तो आज का देखो पर्पस क्या है। आज लेक्चर में हम क्या क्या पार्ट करने वाले हैं, फटाफट कुछ अच्छे क्वेश्चन करके हम डिस्कशन करेंगे बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग डिस्कस करने के बाद वॉइसेस क्लियर ना, तो ये बता दो मुझे यार, वॉइसेस ओके? निधि आप ऑनलाइन दिख रहे हो, बता दो मुझको वॉइस इज ओके। बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल का डिस्कशन और फिर ऑक्सो एसिड्स, है ना? ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें और जो जो भी दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉइस इज ओके ना? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाय आदित्य, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है यार? मुझे कॉफ़ी पीनी थी, कॉफ़ी तो पी नहीं पाए, काम करते हैं, दो मिनट गप्पे कर लेते हैं, तब तक कॉफ़ी हो जाएगी। और आदित्य क्या हाल चाल है ना? एंड निधि बताओ कहाँ से हो आप लोग और किस क्लास के हो? बढ़िया आदित्य, कहाँ से हो? नाइस, दिल्ली से, ऑसम। गुड मॉर्निंग मनोज, क्या हाल चाल? नाइन्थ, बहुत अच्छा। आदित्य टेंथ, क्या बात है। नोएडा, ओए होए, क्या बात। अच्छा, कॉफ़ी कैसे पीते हो तुम लोग? साउंडलेस कॉफ़ी पीते हो? गुड मॉर्निंग रिमझिम, क्या हाल चाल? या फिर जब फुल साउंड ऑन करके कॉफ़ी पीते हो? निधि चंडीगढ़, 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 दिस इज चंडीगढ़ ऑफिस। रिमझिम व्हाट अबाउट यू? आई एम एकदम चकाचक। मैं कॉफी नहीं पीते सर कॉफी नहीं पीते, लेकिन चाय तो पीते हो। तन्मय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और बताओ ठंड कैसी चल रही है? ठंड में रजाई, अभी सारे लोग रजाई के अंदर ही हो ना? ऐसा तो नहीं कि कोई जो है वो रजाई से बाहर है। पूरी उम्मीद है कि आप रजाई के अंदर ही हो और यहाँ पे चैट का मजा ले रहे हो। रात को ज्यादा मजा आता है, कोई नहीं, इसीलिए तो रात को आई यू क्यू जे एस रखा हमने कि रात को ज्यादा मजा आएगा। स्कूल चल रहा है, ओके दैट्स इट। हाँ दोस्त, क्या करें, बाकी सारे टाइम क्लासेस 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 है, यूट्यूब पर आना बहुत मुश्किल है। सो आइदर अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, यही चलेगा, बाकी सारे टाइम बीच में क्लासेस है। यस यस स्वाति, मे बी ए चांसेस देयर। अखिलेश कुछ लिख रहा था, मिटा दिया, डिलीट कर दिया, व्हाई? यस स्वाति, मे बी पॉजिटिव। अभी उठे हो क्या? है ना, मैं अभी उठाई वाला लग रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है, जब तक 12 नहीं बज जाते ना, मैं उठाई वाला लगता हूँ। सही, कितना बस है? स्वाति ये सब मुझसे मत पूछो, फिर ना आप, मैं कुछ भी बोलूंगा फिर जो है आप दिल पर लेकर जाओगे यहाँ से, ऐसा नहीं कर रहे। ऑसम बहुत अच्छा, फिर तो रघुवेद 177 आ रहे तो बढ़िया, कोई बात नहीं। और मार्क्स अगर कम भी रह गए कोई बात नहीं, ज्यादा आ गए बहुत अच्छी बात है, ज्यादा नहीं आए कम आए, आ भी गए ज्यादा तो आगे के लिए पढ़ो आप यार, चिल। हाँ
हाँ आदित्य भाई, वहां तो थोड़ा कंपटीशन है भाई, यूपी वाले बड़ा कंपटीशन है, थोड़े और मार्क्स रहने चाहिए थे, बट ठीक है चलो अभी पॉजिटिव आ गए। दूसरे एग्जाम देखो, आज मेरे भैया का बर्थडे है सर, सो आई एम सो हैप्पी टुडे। यार कुछ गिफ्ट भेजो मुझे हमारे भैया के बर्थडे का शाउट आउट कर दिया मैंने, हैप्पी बर्थडे, चलो गिफ्ट भेजो मुझे। हाँ ठंड बहुत है मिसबा, लेकिन क्या कीजिएगा, चलिए कंबल ओढ़ करके घूमिए हर जगह मैं भी यहाँ पर मन कर रहा है कंबल ओढ़ लेने का मेरा तो यहाँ पर भी, बट अब कंबल ओढ़ करके मैं अगर पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो लोग पढ़ेंगे नहीं, बस वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ कॉफी का सहारा है, क्या कीजिएगा। चल वैसे ये बता दूं कि आपको सेशन में बातें बहुत सारी नहीं समझ में आएंगी जो क्लास 10th वाले लोग हैं वो, वैसे तो ये क्लास 11th का सेक्शन है बट नहीं समझ में आएगी काफी सारी बातें। ओके तो चिल कीजिएगा, आएगी किसी सेक्शन में ऐसी भी चीजें आपको फिर धीमे धीमे कम हो जाएंगी, शुरू के लेक्चर समझ में आएंगे, किसी चैप्टर का भी मैं कोई भी शुरू का लेक्चर बताऊंगा वो समझ में आएगा, कुछ कनेक्ट हो जाएगा, बट जैसे ही लेवल अप होगा वैसे आपको दिक्कत आएगी, तो कोई बात नहीं। है तनिषा, हाउ आर यू, फाइन, क्या हाल चाल है, कहाँ से हो आप लोग। तनिषा कहाँ से, R2 इज द नेम, कल रात बहुत लेट सोए हम, क्या कर लिया भाई। हृदय हाय तनिषा, हरियाणा, वाह बहुत अच्छा। दीपांशु, आपको मैसेज मिस कर गया था सर, ठंड नहीं लग रही क्या। सर ठंड लग रही है तभी तो बोल रहा हूँ कंबल ओढ़ करके पढ़ाना चाहता हूँ बट निकाल दिया जाऊंगा नौकरी से चलो शुरू करते हैं भाई। पहले कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन करने के बाद बैक बॉन्डिंग वाला सेक्शन, जैसे मैंने बताया फटाफट बैक बॉन्डिंग का सेक्शन समझाएंगे, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कुछ, ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर। मैं चाहूंगा कि देखो आप लोग ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर वाला पार्ट सेक्शन 2 करो और अभी भी सेक्शन करो। देखो जो क्लास 10th तक के लोग हैं जो IUQGS के लिए यहाँ से फायदा उठाना चाहते हैं सेक्शन में, वैसे मैं बॉन्डिंग का सेक्शन IUQGS में भी टच करूंगा बट स्टिल अगर आप बॉन्डिंग के ये सेक्शन को अभी देख रहे हैं ठीक है, बातें नहीं समझ में आती है रिवाइंड करके देखना, बाकी नहीं समझ में आती प्लेबैक करके देखना, वापस देखना, बार बार देखना, और ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर वाला सेक्शन तो बिल्कुल मिस मत करना, वो आपके लिए यूजफुल होगा है ना। अनटिल अनलेस कि मैं जब तक IUQGS में जाकर के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपको नहीं सिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख करके रखो, ये रिपीट होगा जब IUQGS वाले सेक्शन में मैं स्पेशली बॉन्डिंग का सेक्शन बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करें, कल जैसे जिन क्वेश्चंस पर मैंने ना डिस्कशन खत्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि विच डी ऑर्बिटल आर यूज्ड, दिख रहा है ना साफ, हाँ विच डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अब भाई ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आएगा तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होता है, हमें पता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। चलो मैंने यहां पर लिख ही दिया sp3d2 में 2d ऑर्बिटल है तो कौन से 2d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। कल जाते जाते जो हमने ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए डिस्कशन किया था ना, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल डिस्कशन के लिए याद है मैंने बोला था स्ट्रक्चर पर चले जाओ और प्लेन के अकॉर्डिंगली सोचो ठीक है, तो प्लेन के अकॉर्डिंगली सोचते हैं। याद है sp3d वाले में क्या दिखाया था, sp3d वाले में dz स्क्वायर और pz आया था, एक बार याद दिला दूं। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन था ना, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले में मैंने बताया था, देखो स्ट्रक्चर पर चले जाओ, ये तीन बॉन्ड जो दिख रहे हैं ना ये तीन बॉन्ड हो जाएंगे आपके इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसे आप xy प्लेन में रखो, xy प्लेन बाई स्टैंडर्ड हम मानते हैं, और जो एक्सिस होता है बाई स्टैंडर्ड IUPAC कन्वेंशन या NCERT के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं हमेशा जेड एक्सिस प्रिफर करते हैं। तो चलो यहां पर तो क्लैरिटी है कि एक्स वाई प्लेन है और ये जेड एक्सिस होगा,
ये समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, एक्स वाई प्लेन में इन तीनों बॉन्ड को रख देंगे और ये दोनों एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस पे, दोनों जो बॉन्ड से वो जेड एक्सिस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने समझाया था, देखो अगर एक्स वाई प्लेन में तुम्हें तीन बॉन्ड बनाने हैं, दैट मींस यू हैव टू हैव एक्चुअली थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यू शुड हैव, सो दैट के तीन बॉन्ड बन सके, ओके। सो एक्स वाई प्लेन में वी नीड एक्चुअली थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वी नीड थ्री हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट मींस के थ्री ऑर्बिटल्स शुड बी कंबाइंड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो हमारा बेस्ट चॉइस क्या होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में मुझे तीन ऑर्बिटल चाहिए तो मैं तीन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में, एस पी एक्स और पी वाई को, सो दैट के एक्स वाई प्लेन में बॉन्डिंग अच्छी हो सके, सो दैट के एक्स वाई प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल सही जो अच्छे तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, वो यही ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक्स वाई प्लेन में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो सकते हैं। और अच्छी मिक्सिंग होगी, बेटर इज द मिक्सिंग, बेटर विल बी फर्दर बॉन्डिंग। सो जो बॉन्डिंग है वो फर्दर अच्छी होगी अगर आपने मिक्सिंग अच्छे से की, तो सेम प्लेन वाले मिक्स अच्छे से होंगे। फिर देखिए यहाँ जेड एक्सिस पे हमें दो ऑर्बिटल चाहिए था, तो हमने कहा था कि पी जेड और डी जेड स्क्वायर की मिक्सिंग ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो यहाँ पर जो दो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं उनके लिए आपको दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, और दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मींस दैट के वी मस्ट मिक्स टू ऑर्बिटल्स सो दैट वी गेट टू हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट शुड बी मिक्स्ड ऑन जेड एक्सिस विल बी दीज टू। ये हमेशा हमारा ना काइंड ऑफ क्या प्रेफरेंस है, अब इसे ध्यान में भी रख जाओ। अगर जेड एक्सिस पर हमें दो ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, दो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, तो हमारा अब से क्या हो गया, फॉर्मुलेशन ही हो गया कि पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर इज द बेस्ट। इनकी मिक्सिंग से दो ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। एक्स वाई प्लेन में अगर हमें मिक्स करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी पी एक्स और पी वाई। एस तो आएगा ही, बिना एस को लेकर के आप मिक्सिंग की शुरुआत नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टार्ट मिक्सिंग विदाउट एस, समझ रहे हो, बिना एस के नहीं होने वाला। एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो वो तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे ही आपको ना यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि ऑक्टाहेड्रल के लिए सोचकर बताओ, तो एक काम करते हैं ऑक्टाहेड्रल बना लेते हैं वापस। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे दोस्तों, ऐसे बनाएंगे ना, इस तरह से कुछ बनाएंगे, आप ऐसा डिजाइन बनाओगे, क्या बोलोगे, चार ऑर्बिटल्स आपको रखने होते हैं एक्स वाई प्लेन में, चार ऑर्बिटल्स रखने होते हैं एक्स वाई प्लेन में, है ना। और होपफुली ये दिखेगा, कलर नहीं दिखे तो बताना मुझे, दिख रहा है ना। और दो बॉन्ड्स को रखेंगे किस पे, प्लेन के, देखिएगा स्क्वायर प्लेनर पार्ट एक बना हमने बनाया हमने चार बॉन्ड से, ठीक है। ये रेड वाले जो लाइंस दिख रही है ये एक्चुअली क्या है, ये चार बॉन्ड्स ये एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये ऊपर और नीचे प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वेज और डैश बना के मैंने दिखाया कि दो बॉन्ड्स जो है वो प्लेन के ऊपर और नीचे भी दिख रहे हैं। तो इसे हम एक्स वाई प्लेन में बना दें, ये इसे हम क्या करें, एक्स वाई प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन में चले गए, है ना। ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक्स वाई प्लेन में चार बॉन्ड्स होंगे और दो बॉन्ड्स होंगे जेड एक्सिस पर, एक्स वाई प्लेन में चले गए ये चारों, तो एक्स वाई प्लेन में मुझे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो मैं एक्स वाई प्लेन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करूं, एक्स वाई प्लेन में एस पी एक्स और पी वाई, ये तो मुझे पता है, बट अब मुझे चाहिए एक और, मुझे एक और चाहिए, है ना, सो दैट के चार हो जाए। तो अब मैं क्या करूं, कौन से ऑर्बिटल को लूं, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, आप s के एक ऑर्बिटल यूज कर सकते हो और p के तीन यूज कर सकते हो, तो p के दो मैंने यूज कर लिए, एक तीसरा यूज होगा z एक्सिस पर, है ना, वो pz है देखो, तो बच गए दो d ऑर्बिटल, दैट मींस के एक d ऑर्बिटल यहां यूज होना है एक्स वाई प्लेन में। और जैसे ही एक्स वाई प्लेन में किसी d ऑर्बिटल को यूज करने की बात आएगी, एक्स वाई प्लेन में d ऑर्बिटल को, किसी d ऑर्बिटल को यूज करने की बात आएगी, हमारा प्रेफरेंस हमेशा होगा dx²y², क्यों भाई, dx²y² एक एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग बहुत अच्छे से ओवरलैप करते हैं। दूसरा dx²y² खुद भी स्क्वायर प्लेनर होता है, dx²y² है याद कुछ ऐसा दिखता था, देखो मैं साइड में बना रहा हूं, यहां पर दिख रहा है ना, हां तो dx²y² ने ऐसा दिखता था, याद आया, बिल्कुल एक्सियल। और खुद आप देखोगे अगर अगर इसे ना बनाने की कोशिश करोगे, इसके पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये खुद ही कैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर, है ना, ये खुद ही स्क्वायर प्लेनर दिखता है। तो dx²y² ना, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर पार्ट कहीं पर दिख रहा है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में दिखता है, ऑक्टाहेड्रल में एक पार्ट है ना स्क्वायर प्लेनर, तो अगर आपको दिखा स्क्वायर प्लेनर पार्ट,
आप समझ जाओगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जहां जाएगा अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंगली ना इफेक्ट छोड़ेगा। तो उसका नेचर क्या है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना। तो स्क्वायर प्लेनर पार्ट मुझे दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल में, दैट मींस डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिक्सिंग करेगा तो कौन से प्लेन में करेगा, एक्स वाई प्लेन में। दैट मींस कि यहां पर मुझे मिला लेना चाहिए किसे, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, है ना। और भाई पीजेड के साथ तो आपको पता ही है कौन मिक्स होगा, डीजेड स्क्वायर। इसीलिए हमारा चॉइस ये है, ऑप्शन बी। आई बात समझ? नहीं आई है ना, ट्रबल भी बताओ। चलो तो ये dx square y square वाला जो सेक्शन था, इसके इसकी प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बता दूं कि dx square y square है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या इंपॉर्टेंट बात इसके लिए बताई मैंने, dx square y square के लिए dx square y square एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल साथ साथ क्या स्क्वायर प्लेनर है ना, और स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर है तो जहां भी जाएगा ये जिस किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ये पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो ये क्या करेगा स्ट्रक्चर में, एक स्क्वायर प्लेनर पार्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, मैंने ऑक्टाहेड्रल पे अभी डिस्कशन किया था, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो अगर आपको दिखता है कि स्क्वायर प्लेनर पार्ट है मॉलिक्यूल में, आप तुरंत समझ जाओ कि यार ये ना ये डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ना पक्का इंक्लूड कर रहा होगा अपने हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। अच्छा और भाई ये क्या बता रहे थे कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है। आप एक्सियल बोलते हैं उसका मीनिंग भी यही होता है, डेंसिटी along the axis, ठीक है, ये बातें आप बोल सकते हैं यहाँ पर। ओके चलो तो अब इस पे क्या अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो और अच्छे क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, इस पे अच्छे क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं गाइस। सपोज दैट आपसे पूछा गया which d orbital is used in hybridization of the following molecule, So, पहला molecule दिया गया हमें CrO5, बताए आपको क्रोमियम पेंटोक्साइड एक लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है इसका, और बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन रिलीज करके फिर चेंज भी हो जाता है, पेरोक्साइड बॉन्ड से यहाँ पर CrO5 में, और CrO5 बहुत फेमस है अपने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की वजह से, फेमस है काफी, है ना स्टूडेंट्स। इसके स्ट्रक्चर को तो बड़े बड़े मजे से याद रखते हैं, बोलते हैं बटरफ्लाई, हम लोग मजे में इसे बैट भी बोलते हैं। बैट की हिंदी पता है किसी को, चमगादड़ बोलने से लगता है जैसे कि ना कोई बहुत वैम्पायर जैसी चीज है ना। तो CrO5 कैसा दिखता है, देखिए CrO5 ऐसा दिखता है देखिए, ठीक है। अब CrO5 का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट को देखिएगा, यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है कि आप ना स्ट्रक्चर को देख करके बताइए कौन से डी ऑर्बिटल है। मैंने पहला मॉलिक्यूल CrO5 दिया है, ये पूरा पार्ट देखिएगा, मैं जिसको ना रेड से ऐसे मार्क कर रहा हूँ, जो एक्चुअली आपके बटरफ्लाई का जो फ्लाई वाला पार्ट है, वो ये जो पार्ट है ना, ये स्क्वायर प्लेनर है गाइस, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर पार्ट है। अब स्क्वायर प्लेनर पार्ट पर ना एक ऊपर से एक बॉन्ड रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर पार्ट ऊपर में बॉन्ड रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड ऊपर में रखा हुआ है, तो स्क्वायर प्लेनर और ऊपर में बॉन्ड, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ना इसका स्क्वायर पिरामिडल है, दिस इज ओवरऑल स्क्वायर पिरामिडल, समझ रहे, ये ओवरऑल क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। अब मुझे बताओ एक्स वाई प्लेन है ना, स्क्वायर प्लेनर है तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में यहां पर कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं गाइस, देखो 1 2 3 4
सेंट्रल आइटम के रेस्पेक्ट में, फिर इसे काउंट मत कर देना इन दोनों को, इन दोनों को काउंट करोगे ना तो फिर वो तो पांच और छह हो जाएंगे, आपको सेंट्रल आइटम के रेस्पेक्ट में काउंट करना है। तो सेंट्रल आइटम के रेस्पेक्ट में चार बॉन्ड्स है सेंट्रल आइटम के पास, चार बॉन्ड्स वाला केस अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल में, चार बॉन्ड्स चाहिए एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में चार बॉन्ड्स चाहिए, तो चार ऑर्बिटल चाहिए, तो कौन कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग करोगे, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, और साथ में किसकी मिक्सिंग करोगे, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मिक्सिंग करोगे ना, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पर पक्का होगा। डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, पहले ही समझ जाओ, स्क्वायर प्लेनर पार्ट आया, चार बॉन्ड्स आए उसमें, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गई होगा, सोचना ही नहीं हो गई होगा, एकदम बिल्कुल होगा, ठीक है। सो समझ आ गया। अब यहां पर जेड एक्सिस पे सिर्फ एक बॉन्ड है, जेड एक्सिस पे सिर्फ एक बॉन्ड है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, ऑब्वियसली पी जेड, सिर्फ एक बॉन्ड है। अगर दो बॉन्ड होता, दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए होते, तो pz एंड dz स्क्वायर दोनों होते, लेकिन pz एंड dz स्क्वायर दोनों नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो सिर्फ pz हो गया। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हुए फाइनल यहां पर, वैसे क्वेश्चन ने पूछा था, वैसे तो मैंने पूछा था सिर्फ d ऑर्बिटल के बारे में, तो आंसर हो जाता है यहां पर कि dx स्क्वायर y स्क्वायर इज द आंसर, है ना, कोई स्ट्रक्चर देख करके ही पता चल गया। बट ओवरऑल देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल है, s है, px है, py है, pz है, और प्लस कौन सा dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, ये जो चार है वो यूज हो रहे हैं xy प्लेन में, और ये यूज हो जा रहा है कहां पर, z एक्सिस पर, ठीक है, डन है भाई। कोई नमस्ते करते जा रहा है लगातार, नमस्ते, नमस्कार 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 निधि, नमस्कार निधि, व्हाट्सअप, यस विच क्लास सर, अभिजीत क्लास 11th है ये, IUQGS एंड IUQC, स्पेशली लेक्चर इज फॉर IUQC, बट आप यूज कर सकते हैं IUQGS के लिए, पता नहीं मुझे और कितने करोड़ बार बताना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आई यू कीप ऑन एंजॉइंग आस्किंग एंड आई विल कीप ऑन एंजॉइंग टेलिंग यू दैट कि कौन से क्लास का है ये, ओके, हर हालत में अपन तो एंजॉय करेंगे यार पढ़ाने को, और आपने एंजॉय करना पढ़ने को, है ना, जबरदस्ती नहीं एंजॉय करना लेकिन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में मैं डाल रहा हूँ CrOF4 को, अब CrO5 तो ना नोन होता है, CrOF4 मॉलिक्यूल जो है वो नोन नहीं होता लोगों के लिए, बट CrOF4 भी देखो कितना स्मार्ट नेम बना सकते हैं, साफ दिख रहा है CrO5 का जो स्ट्रक्चर था ना, क्या CrOF4 को वैसा नहीं बना सकते, अरे बिंदास बना सकते हो दोस्त मेरे, CR डबल बॉन्ड वो बना दो और चार फ्लोरीन लगा दो, है ना। अब जरा आप देखना इसका स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए भाई, तो इसका स्ट्रक्चर भी हमने क्या पाया दोस्तों, स्क्वायर पिरामिडल ही पाया। अब जैसे स्क्वायर पिरामिडल आ गया तो ठीक वैसा ही हो गया ना स्ट्रक्चर जैसा CrO5 का था, स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल है तो चार बॉन्ड से कहां पर, XY प्लेन में, XY प्लेन में बताओ कौन सा कॉम्बो आ जाएगा, S आ जाएगा, PX आ जाएगा, PY आ जाएगा, और कौन आ जाएगा बताओ मुझे फटाफट, PZ मत डाल देना, PZ नहीं डालोगे ना, PZ कहां जाता है, Z एक्सिस पर, XY प्लेन में यही आएंगे सिर्फ, इन्हीं को इंक्लूड करना है, ठीक है, है ना। तो देखो ये आ गया कहां पर, ये वाला पार्ट कहां पर है, Z एक्सिस पर, तो ये कौन सा आ जाएगा, PZ, DZ स्क्वायर नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि PZ देखिए अगर Z एक्सिस पे एक ऑर्बिटल की जरूरत है, Z एक्सिस पर अगर एक ऑर्बिटल की जरूरत है, तो मैं Z एक्सिस पे एक ऑर्बिटल अगर मुझे चाहिए तो मैं PZ चूज करूंगा ना, PZ इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ज्यादा इजीली वो अवेलेबल होगा, ज्यादा आसानी से वो मिक्स होगा एज कम्पेयर टू DZ स्क्वायर के। आपको पता है D फॉर क्या, दुख, तो दुखी ऑर्बिटल दूर होते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है ना, है ना, यस, है ना, ये देखो अभी दीप आता ही है ना, बस यहाँ पर मुझे गालियां देने के लिए सर रिप्लाई नहीं किया दोस्त मेरे, रात में हमने क्लास खत्म की, सुबह सुबह उठे और चले आए आपको नमस्ते करने के लिए, अभी दीप भाई पाए लगू आपके पास चले आए हम फिर से वापस पढ़ाने के लिए, है ना। अब बताओ कब हमने फोन छुआ, बट जब फोन छुएंगे आपको रिप्लाई करेंगे कसम, है ना, समझ गए। देखा जस्ट लाइक CrO5 ये भी वैसे ही इसी तरह से डी ऑर्बिटल की बात होगी। चलो अब वी आर प्रोसीडिंग टू द बैक बॉन्डिंग सेक्शन, मैंने डी ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो बातें आपको समझानी थी वो समझाई है। वैसे मान लो सपोज दैट कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए कि यार फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, और कुछ ना अच्छे एग्जांपल डाल दिए, मान लो ज़ेनन वगैरह के कंपाउंड डाल दिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो चेक कर लिया जाए, क्योंकि फिर भाई बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड एंगल वाले सेक्शन जो है उसमें जाएंगे तो फिर इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल, ऑक्सो एसिड, ये तीनों के तीनों ना अभी हमें ऑलमोस्ट 11:45 तक सब देख लेने हैं,
ठीक है, और बड़े इंटरेस्टिंग भी, ऑक्सो एसिड वाले में तो बहुत मजा आने वाला है आपको, और कोई भी नूब इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं का है, 9वीं का, वो भी देख करके ना बड़े इजीली समझ सकता है ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर को। तो ये आज के लेक्चर इसी बात के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। चलो, सो द फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस में स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं, देखो कहां से, जेनम के ही कंपाउंड से, XOF4। स्टार्ट करें, तीन से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी आप बनाना। कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, जेनम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आठ होते हैं। तो जेनम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आठ होते हैं गाइस, तो हमें पता है कि बॉन्डिंग ऐसे बनानी है, ऑक्सीजन पहले डबली बॉन्डेड हो जाए, सारे फ्लोरीन के साथ ना बॉन्डिंग कर दो, पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैंने बहुत पहले भी सिखाया है ये सब बातें, पहले एक रफ स्ट्रक्चर बना लो यार उनकी बैलेंसी का यूज करते हुए। अब जेनन के पास ना देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए दोस्तों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो उनको लोन पेयर के रूप में सेट कर दो। अब आप जल्दी से स्टेरिक नंबर काउंट करो, 4 सिग्मा बॉन्ड, एक और सिग्मा बॉन्ड, 5 और एक लोन पेयर, 6। स्टेरिक नंबर इज 6। स्टेरिक नंबर 6 मींस के हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2 आएगा ना, है ना। अच्छा, स्टेरिक नंबर 6 अगर होता है तो ऑक्टाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, बट एक लोन पेयर है तो फिर ऑक्टाइड्रल नहीं हो पाएगा। ऑक्टाइड्रल में एक लोन पेयर पुट करोगे तो क्या बन जाता है, स्क्वायर प्रिज्म या स्क्वायर पिरामिडल। तो भाई साहब की जो ज्योमेट्री आएगी वो स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी, है ना, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी। अब जरा मुझे ये बताओ, sp3d2 आपको सिखाया था, sp3d2 में d ऑर्बिटल मैं खासकर ध्यान दे रहा हूं क्योंकि भाई IOQC वगैरह में ये d ऑर्बिटल वगैरह के सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं sp3d2 में, सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, dx2y2 एंड dz2, ये यूज होता है ऑक्टाइडल होगा तो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री पता चल गई, और कौन से d ऑर्बिटल यूज हो रहे ये भी पता चल गया, ये XOF4 है। ओके, अब XOF4 है तो XOF4 के बाद दूसरा कौन सा है, XEF4 है। फिर कैसे बनाएंगे, रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर जेनन। तो फटाफट हमने क्या किया, 4 फ्लोरीन पैकअप किए यहां पे लगा दिए। अब इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए, किसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए, जेनन के। तो फटाफट यहां पर 2 लोन पेयर सेट कर दीजिए, स्टेरिक नंबर निकालिए, देखिए स्टेरिक नंबर फिर से 6 आ रहा है, जिससे हाइब्रिडाइजेशन गाइस फिर से क्या आएगा, sp3d2 आएगा, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो इसकी ज्योमेट्री बता दो, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है दैट मींस कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर पुट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में या तो 1 लोन पेयर पुट कर सकते हैं या 2, जब 2 पुट करेंगे तो वो 180 डिग्री पर होते हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री एग्जैक्टली आएगी वो कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी, बिकॉज के दोनों लोन पेयर को आप रखेंगे किस पर, 180 डिग्री पर, है ना, एक दूसरे से दूर रखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लगा करके। तो दोनों लोन पेयर को हटा करके सिग्मा बॉन्ड से स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो देखिए 4 बॉन्ड जो है वो किस तरह से अरेंज होंगे गाइस, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में, है ना। तो ये दिस वन हैज स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, बट यार हाइब्रिडाइजेशन तो वही है ना, तो यहां पर फिर से डी ऑर्बिटल्स कौन से यूज होंगे, dx2y2 एंड dz2, है ना। 10वीं वाले सोच रहे होंगे क्या सर फटाफट तेजी से बता रहे हो दोस्त, IUQC है, ऐसे ही होगा, धीमे धीमे लेवल अप हो जाएगा, और आप रिवाइंड कर करके फिर देखना फिर, ठीक है। बट हाँ, नॉलेज से दूर नहीं रहना, IUQJS वाले जितने भी बंदे हैं देखिए लेक्चर जरूर देखिएगा, सो दैट के जब मैं IUQJS में स्पेशली बॉन्डिंग बताऊं तो वहां पर ना आपको फायदा हो, वहां पर आपको अच्छा लगे। और क्या हाल चाल बताओ, हाँ ये गुप्ता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, दिल थोड़ा सा दुख गया, क्वालिफिकेशन यही है कि 11 साल से पढ़ा रहा हूँ आपका, ढेर सारा प्यार मिल चुका है, ढेर सारे अंडर 100 रैंक बनाई है, और लेकिन रैंक रैंक भले ही हमने बना ली यार ना, ये भाई साहब ना तंग करते रहेंगे, कोई ना हमें जो तंग करता रहेगा, सो रिलेटेड वी स्विच ऑफ, यस। सो क्वालिफिकेशन बाकी तो इंजीनियरिंग बीटेक, और हाल चाल बताइए, ठंड नहीं लग रही है क्या, ये फिर से चला गया, बाय सर स्कूल की क्लास अटेंड करनी है। चलो भाई, स्कूल की क्लासेस भी चल रही है ऑनलाइन, हाँ STSC राजस्थान हो रहा है, कैसे हो सर, सोविल जाना पिछड़ा नाम लग रहा है, फाइन, आप उनको इग्नोर, बस आप इग्नोर। नहीं नहीं, मैं तो बीच बीच में ब्रेक ले लेता हूँ ऐसे ही आपकी चैट्स पढ़ करके, और हंसी भी आ जाती है कई बार, तो आप तो मोस्टली आप फंसा देते हो,
नौ से स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 12। अच्छा मेरे को एलसीडी का देखना है। अच्छा अभी तो चल पड़ा है। ब्रेक में आप नहीं तो देख सकते कितने से? ब्रेक लेकर के देख सकते हो? कुछ ऐसा है इशू क्या? हाँ क्या इशू? लाइव चल रहा है तो? हाँ लाइव है, बच्चे लाइव है। ओके ओके कोई ना, फिर कंटिन्यू ब्रेक देख लीजिए। कुछ ऐसा टेक्निकल चेक करना, कोई बात नहीं, मैं तो कंटिन्यू करूँगा। कर लीजिए, मेरे को एलसीडी को चेक करना, कोई दिक्कत नहीं सर, करिए जी। ओके ठीक है गाइस, तो XGF2 बता दो मुझको यार, XGF2 कैसे आ जाएगा, XGF2 का स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा ना? चलो होपफुली कि आप कुछ ध्यान दे रहे हो, नहीं भी ध्यान दे रहे हो तो कोई बात नहीं यार। देखो मेरा तो पर्पस है क्या कि अगर लोग आए सीखने के लिए कभी भी आगे तो उनको ये रिकॉर्डेड मिल जाए लेक्चर। तो XGF2 के लिए 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे गाइस, है ना। अब देखो यहां पर स्टेरिक नंबर निकालोगे वो 5 आएगा, 5 आएगा दैट मींस sp3d हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो ऐसे दिखती है, बट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या होता है, आपके इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखने होते हैं लोन पेयर्स को। तो अब जो यहां पर 3 लोन पेयर्स है ना गाइस, सारे 3 लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब जगह लोन पेयर चले गए, तो ये बच गया लीनियर पार्ट, है ना, 2 बॉन्ड्स बन गए। तो ये XGF2 एक्चुअली लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। और कौन सा d ऑर्बिटल यहाँ यूज होता है? dz2, बिकॉज कि भाई xy प्लेन में तो spx और py चला जाएगा, और z एक्सिस पर कौन आकर के कंबाइन करेगा, pz एंड dz2। डन ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना एनायंस के लिए, या एनायंस के लिए निकालना हाइब्रिडाइजेशन मुश्किल होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस एनायंस का स्ट्रक्चर बनाने में आपको ट्रबल आती है। तो सपोज दैट क्या आई हैव गिवन यू XGF4, है ना, XGF4 देखो, और XGF4 और इसके साथ साथ मैं एक एनायन को कंपेयर करूंगा। XGF4 जब बना रहे थे गाइस तो कैसे बनाया था XGF4 हमने? XGF4 में हमने 4 बॉन्ड्स बनाए, पहले रफ स्ट्रक्चर बना लो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखते हुए। तो जेनन के पास जो है वो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने 4 से बॉन्ड बना लिए, तो बचा क्या, लोन पेयर्स बच गए, ठीक है, 2 लोन पेयर बचे। अब 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर इज 6, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आया, मैंने बार बार बोला ये मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन तो दोस्तों निकालने आता सबको, लेकिन ऑर्बिटल्स पहचानने नहीं आता, ये फंस जाते हैं, और मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में बैठ जाए कि डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ताकि कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रक्चर में कहीं पर फंसाया जाए, आप बच जाओ। ओके सो अब XGF4 तो पता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन ने बोला आपको XGF3+ बनाने के लिए, XGF3+ के बारे में बताओ क्या हाइब्रिडेशन आएगी, क्या स्ट्रक्चर आएगा, क्या ज्योमेट्री आएगी, डी ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे। सो XGF4 देखो, XGF3 सपोज दैट कि मैंने आपको XGF4 नहीं दिया था, XGF3+ दिया था, तो इसका नियर बाई कोई स्ट्रक्चर आप माइंड में लाओ जो आपने पढ़ लिया। तो XGF3+ अगर दिया है तो XGF4 माइंड में लाएंगे हम। XGF4 पता है स्क्वायर प्लेनर होता है, है ना, 2 लोन पेयर है, 4 sp3d2 हाइब्रिडेशन ऑक्टेटल स्ट्रक्चर है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब यहां से ना अगर मैंने एक फ्लोरीन हटाया तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ज़ेनन का, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये XGF3+ बन जाएगा। देख रहे हैं कितना आराम से XGF4 से हमने क्या बना दिया, XGF3+ बना दिया। अब XGF3+ बना दिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करना, कितना स्टेरिक नंबर आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर आ रहा है 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा गाइस, sp3d हो जाएगा, अब sp3d2 नहीं होगा। और अगर sp3d है तो ऑर्बिटल जनरली कौन सा होता है, dz2। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि sp3d, जैसे हमने sp3d लिखा है, sp3d से मिलता जुलता एक दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp3, और sp3d2 से मिलता जुलता एक दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है d2sp3, है ना, और एक बड़ा यूनिक हाइब्रिडाइजेशन होता है d3s। ये 3 हम पढ़ेंगे कहां पर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाला सेक्शन करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इतनी की जरूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में इन सब हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक हाइब्रिडाइजेशन उनका यूज ज्यादा होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन स्पेशल टाइप के हाइब्रिडाइजेशन का यूज होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टडी होती है यहां पर।
तो XZF3+ ऐसे बनाना था। अब सपोज दैट इसी तरह से मैंने कोई और स्पेसीज यूं ही आपको निकाल कर दे दिया, बोला कि यार एक काम करो ये बना दो, PCl6- बनाओ, बन जाएगा ना, PCl5 के क्लोज है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया गया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को दे दीजिए और क्लोरीन के साथ जोड़ दीजिए। इसे देखिए तो XZF5- फिर XZF4 था ना, XZF4 में पहले आपने एक बॉन्ड हटा दिया था तो XZF3+ बन गया था, अब एक बॉन्ड ऐड कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दीजिए ज़ेनन को, XZF5- बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको अलग अलग स्पेसिस दिए जा सकते हैं, I3- भी बड़ा फेमस है, फिर और इसी तरह से S, सपोज दैट SF4 होता है, SF3+ दे दिया गया, ऐसे कुछ दे दिया गया, इस तरह के आयंस दे दिए आपको। तो PCl6- मुझे बनाना है, पहले मैं ग्राफ स्ट्रक्चर बना लूंगा, PCl6 क्लोरीन लगाया, ये रफ स्ट्रक्चर बनाया मैंने, स्टेरिक नंबर देखा, स्टेरिक नंबर देख करके मुझे दिख गया स्टेरिक नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाइडल होगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर से दोनों बातें पता चल जाती हैं, ज्योमेट्री भी और फिर हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों पता चल गया। ऑक्टाहेड्रली में अरेंज करूंगा इसे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं यहां पर, फिर से रिपीट किया मैंने, dx2y2dz2, अब तक तो आपको रटा दे रहा, इतनी बार रिपीट कर दिया, ठीक है। आप इसको अरेंज कर सकते हैं खूबसूरती के साथ और अरेंज करके ऑक्टाहेड्रली दिखा सकते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग, ओहो हार्ट शॉट्स दिखते हैं ना, तो बस मजा आया था, मैं खींच करके आया था, बिना यादव हाय हाउ यू, गुड मॉर्निंग चंद्रकांत, स्पीड अप, कौन सी क्लास का ये 11th ये 2 करोड़ बार फिर से मैं बता चुका हूँ, हाउ टू गेट इनटू IITs अभिजीत, बस दिल से पढ़ भाई, बिल्कुल पहुँचेगा IITs, कुछ नहीं, 10th के बाद बिंदास बस अपना रेगुलरली बस पढ़ो, ऐसे बहुत ज़्यादा पागल जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बिंदास बस एंजॉय करो अपनी स्टडीज को, होमवर्क्स वगैरह बनाओ, बहुत अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। ओके, सो ये PCl6- का डिस्कशन कर रहा था मैं, XZF5- बनाना होगा तो XZF4 पता है हमें, सपोज दैट XZF4 ही आप बना लो पहले, है ना, XZF4 बनाया, सपोज दैट ये मैंने XZF4 बनाया, अब एक और आपको पता है, XZF4 बनाओगे तो XZF4 बनाने के बाद ना दो लोन पेयर बचे होते हैं, किसके पास, ज़ेरन के पास, बट सपोज दैट मैंने बोला कि यार यहाँ पे तो XZF5- है, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला हुआ है ज़ेरन को, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला हुआ, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेरन के होते हैं, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 9 हो गए, 5 से बॉन्ड बना लिया तो अभी भी 2 लोन पेयर श्योर होंगे, बिकॉज के ओवरऑल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेरन के पास आने चाहिए वो 9 है, ओवरऑल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए वो 9 है, ठीक है। सो यार यहां पर ना अब काउंट करो आप स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा कितना, 3+2+2 दैट इज 7, तो ये हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, है ना। अब I3- पर आए तो I3- ऑब्वियसली दिख रहा है, 3 आयोडीन आयंस जो है वो मिले होंगे, 3 आयोडीन आयंस जो इस तरह से अटैच्ड होंगे, ये पता चल रहा है, बट I3- में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 7 होता है एक का, तो 7 × 3 = 21, 21+1 = 22, ठीक है। अब जरा देखना, अब आपको पता है कि हर आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी या टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 जो है वो दिखने चाहिए, 7 वैलेंस होते हैं बट आपको सबके ना दिखाने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन पास एक्स्ट्रा आया हुआ, हर आयोडीन के पास 7 होना चाहिए था बट एक आयोडीन ऐसा होगा जिसके पास ना ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, इस आयोडीन के पास देखो 7 कर दिया मैंने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने एक बार आपको बता दिया काउंट करके कि 22 आना चाहिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 7 देखिए इस वाले के पास यूज हो गए, इसी तरह से ना इस टर्मिनल वाले आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर डाल करके, वैसे भी आपको बताइए हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो आपने पुट अप कर दिया यहाँ पर भी इस वाले के पास, किसके पास, दोनों टर्मिनल के पास, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 यूज हो चुके हैं, इस बीच वाले आयोडीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन आर डन यूज हो गए, 22 में से 16 इलेक्ट्रॉन डन यूज हो गए, तो बचे कितने अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लोन पेयर पुट कर देंगे इस आयोडीन के पास, ठीक है, हो गया I3- डन, बट इस आयोडीन के पास देखिएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, 2, 2 और ये 3 लोन पेयर के वजह से 8, सो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके पास एक एक्स्ट्रा है ना, तो नेगेटिव चार्ज यहां पुट करेंगे क्योंकि इसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं सबको, एक SF3+ मैंने आपके लिए छोड़ा है, खुद से बनाएंगे आप, मैं पढ़ रहा हूं किधर, बैक बॉन्डिंग की तरफ। सो बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है,
एक्चुअली ये ऑर्गेनिक के डीलोकलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेट हो जाता है। कंडीशन सुनिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, अगर हम बॉन्ड एंगल वगैरह का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके बिना बॉन्ड एंगल का डिस्कशन कर अधूरा रह जाएगा, अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और वैसे भी बैक बॉन्डिंग बहुत सारे जगह पर दूसरे फिनोमिनास को समझाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को समझा पाता है, लुईस एसिड कैरेक्टरिस्टिक वगैरह को समझा पाता है, तो बड़ा जरूरी है ये भी, है ना। हाँ जी, सो क्या चल रहा है? क्या क्या बात है सर, आपने क्या किया 12th के बाद? आपने इंजीनियरिंग की है क्या? शक्ल से नहीं लगता है। भाई मैं इसे तो चैट बॉक्स से तरफ आता, थोड़ा हंस लूं भाई। सर क्या आपकी तबीयत सही है? हाँ सक्षम, मैं तो सही हूँ, अपना बता। एकदम बिंदास, क्या लग रहा है? हाँ बेट भाई, कहाँ से की इंजीनियरिंग? मतलब तुझे पूरा कच्चा चिट्ठा बताना है ना भाई। 2005 में जेई में 3900 रैंक आई थी, गांव से पढ़ा हुआ लड़का, तो भाई आईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया, लेकिन ब्रांच मिली एमएससी केमिस्ट्री। और उसी टाइम में जब बिट्स का रिजल्ट आया तो वहां मिल रही थी मुझे केमिकल इंजीनियरिंग, मैं वहां शिफ्ट हो गया। तो आपने देखी नहीं ये फोटो वोटो लगा के रखी रहती है, कहां से पास पास किया, लिखा तो रहता है बीआईटी बिट्स झारखंड लिखा रहता है, नहीं देखा? चलिए, क्या ही फर्क पड़ता है, बट देखिएगा, ऐसा फील होता है ऐसे है ना, आप अभी छोटे होता है फील होता है क्या है, इंजीनियरिंग करेंगे आयरन मैन बन जाएंगे, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इंजीनियरिंग करने से आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, आप अच्छे नॉलेज वाले बंदे बन जाते हो, बाकी फिर लाइफ बहुत बड़ी है, आपके पास बहुत सारी च्वाइसेज होती है। मैंने जॉब जब की तो यार मुझे वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिला, मुझे हमेशा फील होता था कि शायद मैं ना पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे ना फील थी कि मैं नॉलेज जब दूसरों को देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो एक फीलिंग थी मेरे अंदर कि यार मुझे ना लोगों को सिखाना है, पढ़ाना है। पैरेलली मुझे खुद पढ़ने की भी बहुत इच्छा थी, बहुत अच्छा लगता था जब मैं खुद पढ़ाई करता था। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, है ना। कॉलेज कैंसिल हो गई, मज़ा ही मज़ा, क्लास कैंसिल हो गई। ये देखो स्कूल की क्लास, अगर और ये क्या चल रहा है भाई, सुपर ओजेस क्या कर रहा है? बस रंग डालवा। अरे मैसेज डिलीट हो गया भाई, आपके मैसेज खुद से डिलीट किया या हमारी टेक टीम ने डिलीट किया? चलो बैक बॉन्डिंग क्या है गाइस, आ जाओ सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, कब कब होती है, देखिए, व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड, दो एटम्स बॉन्डेड होने चाहिए पहले से, बॉन्डेड सच दैट, किस तरह से बॉन्डेड है, सच दैट वन ऑफ देम हैज लोन पेयर, दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर हो, एंड द अदर वन हैज वैकेंट ऑर्बिटल, अगर दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास क्या है, एक के पास लोन पेयर है, दूसरे के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, दिखाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं भाई, दिखाने के लिए क्या कि एक दो एटम इस तरह से बॉन्डेड है, एक के पास सपोज दैट लोन पेयर है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बस ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग में क्या है, ये लोन पेयर यहां से डिलोकलाइज होकर के इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, देखिए एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक के पास कम, तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर ज्यादा, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों मिल करके ना यहां पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो बॉन्ड बनेगा नया, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता है, पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक रखता है बॉन्ड की। तो ये इलेक्ट्रॉन, वैसे ये फिनोमेना जो लोग नए हैं और इनको अजीब सा लग रहा है, मैं बताऊं ये फिनोमेना एक्चुअली क्या कहलाता है, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है।
डीलोकलाइजेशन मींस के इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से हटकर मूव करना। इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों चाहता है, क्यों करता है भाई? इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मूवमेंट करता है ना, सिस्टम की एनर्जी कम कर देता है, और सिस्टम की एनर्जी कम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डीलोकलाइजेशन एक्चुअली मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम बहुत यूज करते हैं। सो ये डीलोकलाइजेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। इलेक्ट्रॉन जितना मूव करेगा ना, जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है, जितना ज्यादा मूवमेंट करता है, सिस्टम की एनर्जी कम कर देता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये काइंड ऑफ नेचुरल है। अगर दो एटम बॉन्डेड होंगे और एक के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक के पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, टुचुक टुचुक, तो मूव करेगा ना। तो मूव करने के पीछे क्या है, सिंपल सा वो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली यार यहाँ पर एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो तो बॉन्डिंग का ही प्रोसेस हो रहा है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, उसे हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। देखिए ए और बी के बीच में पहले से एक बॉन्ड और एक नया बॉन्ड बन गया, तो अब नए बॉन्ड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, तरीके दिखाने के। अगर आपने नए बॉन्ड को ना कंप्लीट बॉन्ड के रूप में दिखाया तो ए को लॉस हो जाएगा और बी को गेन हो जाएगा, देख रहे? ऐसा क्यों दिखाया, देखिए दो इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया बी के पास, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है और ए के पास क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। सो आप अगर कंप्लीट बॉन्ड बना के दिखाएंगे तो ए प्लस और बी माइनस के रूप में दिखा दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, पार्शियली, इस तरह से कि यहां पर ना बॉन्ड बन रहा है, पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, और पार्शियली क्या हो रहा है, इसके पास ए के पास पार्शियली नेगेटिव। तो पार्शियल दिखाने का मतलब है कि बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आपका बना है ना, देखिएगा पार्शियल क्यों बोल सकते हैं इसको, इसलिए क्योंकि यहां पर जब बॉन्ड बना तो बॉन्ड बना इस जगह पर। अब ये इसको आप देख रहे होंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड नहीं कहलाएगा, देखिए सिग्मा तो ऑलरेडी था, ये नेचर क्या था, पाई। और पाई बॉन्ड्स जो बनते हैं ना, ये पाई बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, वो वापस टूट भी जाते हैं। सो यहां से इस स्ट्रक्चर से अगर मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर आपने बनाया, जिसमें आपने दिखाया था लोन पेयर, जिसमें आपने दिखाया था वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके ये भी बना सकते हैं और इसको वापस कन्वर्ट करके ये भी बना सकते हैं। दोनों ही वैलिड हो गए, बोथ आर वैलिड स्ट्रक्चर्स, बोथ आर वैलिड स्ट्रक्चर्स। और अगर आपने कभी मॉलिक्यूल का वैलिड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अगर आप बना पाए तो दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो दोनों काइंड ऑफ ना आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। आप अगर कभी किसी मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा अगर कोवेलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और दोनों वैलिड होते हैं। हाँ, लेकिन दोनों की एनर्जी अलग अलग हो सकती है। जैसे देखिए ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, चार्ज स्ट्रक्चर हो गया, है ना। लेकिन इस चार्ज स्ट्रक्चर में एक बात का फायदा है, क्या है, इस चार्ज स्ट्रक्चर में जो बी है, बी को अगर इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी पहले वाले में वो पूरी हो गई है। तो अगर कमी पूरी हो गई है तो यहां पर क्या है, यहां पर बी को इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी होगी। दैट मींस के भाई अब बी जो है वो खुश है पहले से ज्यादा, है ना। तो स्टेबिलिटी का कंपैरिजन देखिए, आप जब मैंने भी बताया था कि ये एक फेनोमेना जो है वो डीलोकलाइजेशन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह भी जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन ना कभी भी जब डीलोकलाइज होता है, अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो वो मूवमेंट फिर बैक भी होता है, वापस भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा मूव करके दूसरी जगह तो फिर वहां से फिर वापस भी आता है, और वो प्रोसेस वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो करते रहता है। इलेक्ट्रॉन को इसी तरह से घूमने में, आने में, जाने में बहुत मजा आता है। सिस्टम की एनर्जी वो इसी तरह से कम कर देता है, डीलोकलाइजेशन से एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम की, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। सो ये जो प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना और फिर वापस जाना और फिर यहाँ से आना और फिर वापस जाना, ये चलते रहता है, ठीक है। बट हम जब ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं डीलोकलाइजेशन, तो सिर्फ दो एटम, यहाँ पर तो सिर्फ दो एटम के बीच में ये प्रोसेस चल रहा है, वहां पर ना बहुत लेंदी हो सकता है, ढेर सारे एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप बेंजीन जानते हो, है ना, या आप किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में जानो, तो जितने लोग जान रहे हैं पहले से कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, या बेंजीन जैसे जितने भी मॉलिक्यूल, सब में रेजोनेंस है और बहुत ही लेंदी डीलोकलाइजेशन हो सकता है। बैक बॉन्डिंग में बस दो एटम्स के बीच में हो रहा है,
ठीक है। सो आप पहले बैक बॉन्डिंग पहचानो कुछ जगह पर। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि भाई एक जगह ना मैंने बोरोन और फ्लोरीन का बॉन्ड पाया, बोरोन और क्लोरीन का बॉन्ड पाया, बोरोन और ब्रोमीन का बॉन्ड पाया, कहां कहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का बॉन्ड पाया, कहां कहां पर आप बताओ कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है ना, बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पाया, बोरोन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पाया, इतने सारे मैंने कंडीशन दिए और बोला जरा फटाफट चेक करो ना कि कहां कहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो आपको बता दे दोस्तों, देखिए बोरोन जब भी न्यूट्रल होगा ना, तो बोरोन हमेशा जब भी न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल होने पर ना उसके पास हमेशा एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल सेकेंड पीरियड से वैकेंट ऑर्बिटल कहां कहां पाया जाता है, सेकेंड पीरियड के एटम से। देखिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ना वैकेंट ऑर्बिटल सारे एटम्स में, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हर एटम के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि थर्ड पीरियड में जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ना डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और डी ऑर्बिटल्स एफ ऑर्बिटल्स ये पूरी तरह से फिल नहीं होते हैं आगे। तो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल जहां कहीं भी किसी भी एटम में आ सकते हैं। जैसे आप थर्ड ऑर्बिट में जाते हैं, आपको पता है थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट्स कौन कौन से आ जाते हैं, 3s 3p 3d, और जैसे ही 3s 3p 3d आपने बोला, डी आ गया, ओहो अब तो ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे, एफ आ गया तो और भी ज्यादा ऑर्बिटल्स वैकेंट होंगे। तो एटम्स जितने हेवी होते जाते हैं उनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स उतने ज्यादा फिल होते जाते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप जानते हैं, मिड ऑर्बिटल्स अक्सर ही वैकेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक वाले अक्सर इनमें डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। तो सेकेंड पीरियड से कौन कौन ऐसा है जो नेचुरली वैकेंट ऑर्बिटल रखता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज थर्ड से तो सभी रखते हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सभी रखते हैं, लेकिन सेकेंड पीरियड में सबके पास वैकेंट नहीं होता। बोरॉन बड़ा स्पेशल है जो नेचुरली तीन बॉन्ड्स बना करके वैकेंट ऑर्बिटल रखता है। बेरिलियम दो बॉन्ड बना करके दो वैकेंट ऑर्बिटल रखता है, बोरॉन तीन बॉन्ड बनाकर एक वैकेंट रखता है, बाकी एटम्स वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रखते हैं, वो जबरदस्ती बनाया जा सकता है। जैसे कार्बन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रखेगा, चार के चार बॉन्ड्स उसके, चार के चार ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइटेशन करके रख सकता है, ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं होते विदाउट एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन करके बॉन्ड बनाने जाता है कार्बन, तो चार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोई भी उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब में नहीं होता। बोरोन और बेरिलियम में जिनके पास नेचुरली वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बट कार्बन में अगर आप बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दो, तो वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, वैसे नाइट्रोजन में आ सकता है, ऑक्सीजन में तो कुछ भी कर लो नहीं आता है ना। तो बोरोन और बेरिलियम ऐसे सेकेंड पीरियड वाले एटम्स विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स, VO मींस वैकेंट ऑर्बिटल, वो कौन कौन से, बेरिलियम बोरोन, ये नेचुरली रखते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टेट में, नेचुरली बोलने का मतलब न्यूट्रल स्टेट में, अगर न्यूट्रल नहीं चार्ज स्टेट है तो कार्बन प्लस भी रख सकता है और नाइट्रोजन प्लस भी रख सकता है, ऑक्सीजन तो कभी रखता ही नहीं। सेकेंड पीरियड से बेरिलियम एंड बोरोन नेचुरली रखेंगे न्यूट्रल स्टेट में, और पॉजिटिवली चार्ज स्टेट में कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो फिर भी नहीं रखता, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो नेचुरली और न्यूट्रल स्टेट में बेरिलियम एंड बोरोन, बेरिलियम दो वैकेंट ऑर्बिटल और बोरोन एक। ओके, सो भाई बोरोन देखा नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर से बोरोन देखा नहीं कि वैकेंट ऑर्बिटल है, तीन बॉन्ड्स बना लीजिए, नहीं भी बनाते बोरोन कहीं पर भी देखते हैं, यू हैव टू थिंक दैट कि यस यार यहां पर तो पक्का श्योर है कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा बोरोन देखा, ठीक है। तो ये याद हो गया ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं। अब देखिए फिर बोरोन देखा। अच्छा, दूसरे एटम्स को देखिए, क्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन, इन सबको देखिए, इनके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड का, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसा नहीं है। देखिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहां पर भी होगा, बट पता है क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहां पर ना कैरेक्टरिस्टिक है देने का, वैकेंट ऑर्बिटल है बट लोन पेयर क्या बहुत ज्यादा, हैलोजन्स वैसे आइटम्स है जिनके पास ना बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, तीन लोन पेयर की वजह से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, तीन लोन पेयर की वजह से। तो वैसे तो हैलोजन के बारे में आपने सुना है कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बट लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है, और फिर ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहता है, यहाँ पर जो लोन पेयर से वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सपोज दैट देखिए ढंग से अगर ऐसे बनाए दिखाए आपको, देखिए तीन लोन पेयर, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं, तो रिपेल करते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है यहाँ पर,
तो ना ये जो रिपल्शन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये जो आपस में जो क्राउडिंग है, क्राउडिंग से जो रिपल्शन है, उससे ना ये मौका मिलते ही भागना चाहते हैं। तो देखिए वो यहां से यहां ना मूव कर जाएंगे। अब मूव करने का पर्पस क्या होता है दोस्तों? मूव करने का पर्पस यही होता है भाई, सिस्टम को स्टेबलाइज करना, इलेक्ट्रॉन को। तो जब मौका मिलेगा वो डिलोकलाइज होगा, जब मौका मिलेगा वो डिलोकलाइज होगा, कभी भी मौका मिलेगा। तो अगर दो एटम्स ऐसे रखे हुए एडजेसेंट, के पास लोन पेयर, के पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो मूवमेंट हो गई। इसी मूवमेंट को, इसी मूवमेंट के थ्रू जो नई बॉन्डिंग होती है उसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना? आपको तो लग रहा होगा ऐसी ऐसी कोई बॉन्डिंग जो के बैक बॉन्डिंग, मतलब क्या ऐसी बॉन्डिंग की कोई पीछे से हो रही है? ऐसा नहीं, मतलब ये ठीक है, दो एटम जो है वो इस तरह से बॉन्डेड हो सकते हैं इन कंडीशंस में। यहां से भी हो जाएगा, है ना? तो बैक बॉन्डिंग यहां भी है, मैं यहां भी टिक मारू बैक बॉन्डिंग के लिए, रेड से टिक मार दिया जाए, बैक बॉन्डिंग यहां भी है। और देखिए मैंने यहां पर ब्रोमीन लगाया था, तो ब्रोमीन पे भी यहां पर लोन पेयर्स है, तो यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। हाँ, अब हर जगह ना इक्वल स्ट्रेंथ की बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो हमें यह जानना है कि बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, कब वो इफेक्टिव होता है, कब इफेक्टिव नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट। क्या यहां बैक बॉन्डिंग होगी? हाँ जी, यहां पर भी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी क्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है। अब यहां देखिए, नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन क्लोरीन में बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या? ये जज करना है, ठीक है? अब देखिएगा पॉसिबल है कि नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है न्यूट्रल स्टेट में, सेकंड पीरियड का एटम है ना, तो सेकंड पीरियड के एटम से वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ किसके पास है? बेरिलियम एंड बोरोन के पास है नेचुरल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में, नाइट्रोजन के पास नहीं हो सकता। अब नाइट्रोजन के पास नहीं हो सकता तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो लोन पेयर क्लोरीन से तो नहीं आ सकता नाइट्रोजन की तरफ, बट क्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो क्लोरीन में भी वैकेंट ऑर्बिटल है जिसको हमने डिस्कस कम किया है। अब देखिए फ्लो क्लोरीन से नाइट्रोजन की तरफ नहीं हो सकता, जैसे यहां हो जा रहा था क्लोरीन से बोरोन की तरफ, बोरोन के पास तो कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो फ्लो यहां से यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां से इधर ही होगा, यानी क्लोरीन से बोरोन की तरफ ही होगा। बट अब यहां पर आइए, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं ये पूछा गया, तो हमने कंडीशंस वॉच किए। देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, देखिए वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास भी होता है, बट यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल, तो फ्लो इधर से इधर नहीं होगा ना, यहां कोई लोन पेयर नहीं था, तो फ्लो यहां से ही होगा, क्लोरीन के साइड से ही होगा, क्लोरीन के साइड से ही जाना पड़ेगा, कहां पर जाना पड़ेगा, क्लोरीन के साइड से ही कहां जाना पड़ा, क्लोरीन के साइड से बोरोन में जाना पड़ा, बट यहां पर क्लोरीन से नाइट्रोजन हो नहीं सकता, बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, सो फ्लो कहां से होगा, नाइट्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगा, देख रहे हैं? तो बैक बॉन्डिंग यहां पर भी है। अब देखिए फिर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, फिर देखिए बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन दो बॉन्ड होगा दो लोन पेयर्स होंगे, बोरोन है हमेशा बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, आराम से दे दिया, तो बैक बॉन्डिंग यहां भी है, बैक बॉन्डिंग यहां भी, हर जगह बैक बॉन्डिंग, जो मैंने एग्जांपल दिखाया है बोर्ड पे, हर जगह बैक बॉन्डिंग है। अब भाई बैक बॉन्डिंग से होगा क्या? तो बैक बॉन्डिंग से देखिए ये क्या होगा, मैंने क्या बताया, बैक बॉन्डिंग गिव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बैक बॉन्डिंग गिव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देता है, बैक बॉन्डिंग गिव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा ये कैसे होगा भाई, बैक बॉन्डिंग कैसे गिव्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बैक बॉन्डिंग ने डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसे दे देना है? बिल्कुल दे देना, देखिए सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया BF3 लिया, मुझे पता है BF3 में यहां पर बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल। अब बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहां देखिए हर फ्लोरिन के पास लोन पेयर है, हर फ्लोरिन के पास लोन पेयर है, हर फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, हर फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, हर फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो अब अगर इस फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर दिया तो देखिए फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहां पर एक और बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। सो अब मैं क्या दिखा सकता हूं, इन दोनों, इस बोरोन और इस फ्लोरीन के बीच में पहले से एक बॉन्ड था और एक अब नया बॉन्ड आ जाएगा, उसको टिंगी टिंगी करके दिखा दीजिए। मैंने टिंगी टिंगी करके इसे दिखाया क्योंकि वो एग्जैक्ट कंप्लीट बॉन्ड नहीं है दोस्तों। और वो कंप्लीट बॉन्ड क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि ये देखिए यहां से ये फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन की आदत क्या है, जब वो फ्लो करता है डीलोकलाइज होता है तो वो वापस भी आता है, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ऐसे नाचते रहेगा ऐसे नाचते रहेगा, इलेक्ट्रॉन को नाचने में ही मजा आता है, इलेक्ट्रॉन के इसी नाचने से क्या होता है, सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो बोलोगे वाह नच बलिए नच बलिए नच बलिए, हाँ तो इलेक्ट्रॉन का ये थीम ही है, खूब नाचो, अगर स्पेस मिल गया नाचेंगे, सिस्टम को स्टेबलाइज करेंगे, है ना? और अब मैं जैसे ही स्क्रीन के पास में आया
वैसे ही लोग जो है फटाफट आप मैसेज टाइप कर रहे हैं कि सर प्लीज देखो और थोड़ा बताओ। अनु, यू आर अमेजिंग टू, थैंक यू। वैसे बॉडी बिल्डर्स ऐसे करते हैं, ये वाला काम करते हैं है ना, तो मेरा ऐसे रहेगा, नहीं नहीं ऐसे रहेगा, नहीं ऐसे रहेगा, ऐसे होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे रहना चाहिए ना, हाँ थोड़ा ऐसे रहना चाहिए। यस सर, इज दिस टॉपिक फॉर NTSC? देखिए गुरुदेव, दिस इज नॉट फॉर NTSC एक्चुअली, आप इसको यूज कर सकते हैं। NTSC जो बिहार वाले, हरियाणा वाले वगैरह, उन सबके पेपर में सब से रिलेट करके बातें आ जाती हैं, सो वो यूज कर सकते हैं। अब जिनका हो चुका है वो क्या यूज करेंगे। हु कैन राइट IUPAC? आयमन अब्दुल सलाम, आयमन IUPAC दे सकते हैं वो लोग जो कि 11th और 12th वाले हैं, वो दे सकते हैं है ना। 188 MP RPS, यस RPS इट शुड बी इनफ, होना चाहिए। और यस यस यस, पढ़ दिया आपका मैसेज, पढ़ दिया, रिपीट मैसेज नहीं करते है ना। ऐसे निधि ये बोल रहा है, ये हाथ ऊपर जाता है दोस्त, तब मजा आता है ना। टेंथ वाले क्यों नहीं दे सकते, मैंने तो बताया है ना, और मैं 5 करोड़ बार बता रहा हूँ, 5 करोड़ बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 करोड़ वही बार और फिर से बता रहा हूँ कि यार देखो IUQJS जो भी दे सकते हैं। देखो जूनियर साइंस ओलंपियाड कौन दे सकते हैं, क्लास 8 से 12 वाले दे सकते हैं बिंदास, तो जूनियर साइंस ओलंपियाड में भी ये टॉपिक है, IUQJS वाले सेक्शन में भी मैं टच कराऊंगा, बट इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे वहाँ पे क्योंकि इतना भी ज्यादा नहीं पूछते IUQJS में, बट पूछते हैं, नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, हल्का फुल्का इससे रिलेट करके पूछते हैं, IUPAC है तो डेप्थ है, ठीक है। और हाँ ये भाई मैं सेक्शन डिस्कस तो कर रहा हूँ, साथ साथ इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेक्शन होगा, एक क्लास तो पूरी की पूरी 2-2.5 घंटे की ना सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग की होने वाली है कल परसों। सेक्शन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे बैक बॉन्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद फिर बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस बनाएंगे, इस बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल वाले सेक्शन में, बॉन्ड एंगल का सेक्शन करके ऑक्सो एसिड वाला स्ट्रक्चर वाला सेक्शन देखेंगे। मैंने बोला है कि IUQJS में जो इंटरेस्टेड है या जो भी लोग हैं जूनियर साइंस ओलंपियाड में, ऑक्सो एसिड वाला सेक्शन तो जरूर देखो, वो बहुत यूजफुल है, बहुत कुछ सिखा जाएगा और बहुत कुछ सीखोगे आप एसिड्स के बारे में, ऑक्सो एसिड्स के बारे में जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सो वो तो बहुत यूजफुल है यार, वो तो बिंदास आप देखो, ऐश करो, मजे करो उसमें है ना। हाँ जी अनु, बिल्कुल क्यों नहीं, 9 वाला क्यों नहीं भाई, बिल्कुल है, IUQJS है 8 से 12 के लिए, और IUQJS में ये चीज टच होती है तो बिंदास देखो इसे है ना, मेरा साथ दो यार। आप लोग साथ में रहोगे तो मैं बोर नहीं हूँ है ना, वैसे तो मैं अकेले ही पढ़ा लूँ यार, कोई बात नहीं है, कोई रहे या ना रहे, मुझे तो एक्चुअली चाहिए कि लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर के रह जाए, तो लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर के, एक होता है रिकॉर्डिंग करके हम लेक्चर्स रख सकते हैं, और एक है लाइव है तो क्या है कुछ लोग ऐसे भी बातचीत करने के लिए आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है, कुछ बातें पता चलती हैं आपके बारे में, मैं भी बोर नहीं होता हूँ, ठीक है। और अभी IUPAC को लेकर के अवेयरनेस नहीं है, कम है, ओलंपियाड को लेकर के अवेयरनेस कम है, जो कि होनी चाहिए, और एक कोशिश है हमारी कि इस चैनल के थ्रू जो है ओलंपियाड को लेकर के अवेयरनेस हो, ठीक है, ये बात। चलो तो मैं ये बता रहा था भाई, यहाँ पर देखो, अच्छा अब 2 मिनट का ब्रेक भी लेंगे यार, पानी वानी पियेंगे थोड़ा मस्त तरीके से ठीक है, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। पता है बैक बॉन्डिंग के बाद बॉन्ड एंगल पे जाएंगे, उसके बाद ऑक्सो एसिड्स पे जाएंगे, ऑक्सो एसिड समझ रहे हो ना, जैसे कि ऑक्सो एसिड क्या है, वैसे एसिड जिनमें एटलीस्ट एक ऑक्सीजन होता है, H2SO4 भी ऑक्सो एसिड्स है, उनके स्ट्रक्चर वगैरह बनाना सिखाएंगे, स्पेशली फॉस्फोरस और सल्फर के, बहुत मजा आएगा, तो वो सेक्शन एकदम बिल्कुल ना छोड़ोगे। अभी अगर आपके ऊपर से भी जा रहा है ये तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है ठीक है। तो भाई BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग होती है, और फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं ना, देखिए मैंने बताया कि इसे टिंगी टिंगी करके क्यों दिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। सपोज दैट किसी ने बोला कि नहीं मैं तो कंप्लीट बॉन्ड बनाऊंगा क्योंकि एक नया बॉन्ड है और मुझे तो वो तरीका अपनाना है जो सर आपने सिखाया था कि दूसरा बॉन्ड अगर बनाओगे तो जो डोनर है, देखिए ये डोनर है ना, ये डोनेट कर रहा है, जब डोनर है, डोनर को क्या बोलते हैं दोस्तों, दानी बोलते हैं ना, दानी होता है ना डोनर, और देखिएगा ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ये एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों, है ना पता आपको, इसे क्या बोलते हैं, दानव, तो दानी और दानव के बीच में यहाँ पर गेम हो रहा है, ठीक है। तो अब जो दानी है ना उसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, अगर आपने इस तरह से बॉन्ड दिखाया ना तो देखिए दूसरा तरीका है प्लस और माइनस करके दिखाने का, बोरोन ऑलरेडी कितने फ्लोरिन के साथ अटैच था दोस्तों, देखिए 2 फ्लोरीन और भी तो है, बट एक टाइम पर एक फ्लोरीन उसे डोनेट करेगा, एक टाइम पर ना किसी एक इंस्टेंट पे एक फ्लोरीन उसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो भाई डोनेट करेगा तो देखिए ये इस फ्लोरीन ने डोनेट किया तो इस फ्लोरीन पे प्लस लगा दो और यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो बोरोन को बहुत फायदा हो गया,
बोरॉन जहां पर एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच था, तो टोटल तीन बॉन्ड्स थे और तीन बॉन्ड्स की वजह से उसके पास ना 6 इलेक्ट्रॉन थे। बट अब देखो, अब 4 बॉन्ड्स आप दिखाओगे तो इसके पास ना 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ गई, है ना। बोरॉन तो पूरा खुश है कि वाह। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। ये इलेक्ट्रॉन ना, अब फ्लोरीन आपको पता है ना ऑलरेडी, फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कौन सा खुश है? नहीं खुश है। ये ठीक ऐसा है, देखो बैक बॉन्डिंग को ना, बैक बॉन्डिंग को ठीक ऐसे समझो जैसे स्कूल में क्या होता है कि स्कूल की कहानी अभी कोई बता ही रहा था, स्कूल की क्लास जो है वो कैंसिल हुई समथिंग। तो मैं बताऊं कि भाई क्या होता है स्कूल में ना, आप याद करो कि आपके दोस्त के पास ना पेन या पेंसिल जो है उसकी ना गायब हो गई, छूट गई, तो वो आपसे उधार मांगता, भाई प्लीज पेन दे दे, पेंसिल दे दे, तो आप उसे दे देते हो, आपके बाजू में बैठा होता, आप दे देते हो, आपको एक फीलिंग आती है हमने जो है कुछ पुण्य का काम किया। लेकिन अगर वही पेन पेंसिल आपका दोस्त आपको वापस ना लौटाए, तो फिर तो आप जो है गालियां देना शुरू कर देते हो, मतलब आपने दिया तो है बट वो आपको वापस भी चाहिए, आपने दिया है पेन पेंसिल बट आपको वापस भी चाहिए। सेम थिंग हैपेंस इन बैक बॉन्डिंग, भाई ये फ्लोरीन ने दिया, ठीक है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब दिया है तो उसको फील तो अच्छा हुआ कि उसको पता है कि ये मेरा भाई मॉलिक्यूल का पार्ट है, मेरे मॉलिक्यूल का पार्ट है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, है ना। होगा क्या, ये खुश होगा तो ओवरऑल हमारी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पेन पेंसिल दिया है तो वापस ना लो, वापस भी तो ले वापस भी तो लेना है ना, समझ रहे? नहीं समझे, नहीं सुना आपने पेन पेंसिल वाली कहानी, चलो कोई बात नहीं, भी सुना दो। सो यहां पर मैं बता रहा था कि फ्लोरीन ने अपनी तरफ से बैक बॉन्डिंग की, अगर इस फ्लोरीन ने अपनी तरफ से बैक बॉन्डिंग की, अब इसे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये वापस इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि भाई अब कितने समय के लिए देगा, पेन पेंसिल हम अपने दोस्तों को देते हैं तो हमें वापस भी चाहिए होता, हमेशा के लिए थोड़ी ना दे देते हैं। तो ये फ्लोरीन बोलेगा भाई अब मेरे पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, मुझे वापस दे। तो फिर ये जब वापस लेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए अब कोई दूसरा उसे दे देगा, मतलब कि ये इसका काम है, ये सिर्फ मांग करके ही काम चलाएगा बोरॉन का काम क्या है, बोरॉन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो वो हमेशा मांग के चलाएगा। तो ये ठीक वैसे दोस्त के जैसे आपके, जिसके पास जो ना पेन पेंसिल ना वो लाता ही नहीं, वो हमेशा मांग करके ही काम चलाता है, हर दिन पेन पेंसिल छोड़ देगा घर पर और क्लास में आकर के ना अपने दोस्तों से मांगेगा, भाई पेन दे दे, तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है भाई, तेरे एक्स्ट्रा पेन दे दे, भाई एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पेन दे दे, है ना। यस देवांश, हाँ, नॉट एवरी डे, 4 to 5 days इन अ वीक, 4 to 5 days इन अ वीक, ठीक है। सो गाइस ये इस तरह से ना BF4- जो है बनेगा, आप बना दीजिए, बट फिर क्या होगा, ये वापस ऐसा हो जाएगा, देखिएगा ये वापस आ जाएगा इसके पास। अब जब वापस आ जाएगा तो अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद ये चीज हो जाएगी, देखिएगा जब वापस आ गया तो फिर से ऐसे स्ट्रक्चर वापस बन गया, यहां जो बॉन्ड बना था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां गया था, ये वापस आ गया, जब वापस आ गया तो अब कोई दूसरा देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन अब देगा, क्यों, क्योंकि भाई इसने दिया था, अब इसने वापस ले लिया, अब दूसरा कोई देगा। इसका काम है हमेशा मांग करके काम चलाना, तो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो हमेशा मांग करके काम चलाएंगे, एक ने दिया था वापस ले लिया तो वो दूसरे से लेगा, ये प्रोसेस इनफिनिट टाइम के लिए चलता रहेगा। तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है, इसका मतलब है कि एक फ्लोरीन देना बंद करेगा तो कोई दूसरा देगा, फिर तीसरा देगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट मींस कि यार ये जो बोरॉन के साथ जो फ्लोरीन लगे हुए हैं ना, ये ना इसको पार्शियली हमेशा हेल्प करते रहते हैं, पार्शियली हेल्प करते रहते हैं, देखिए पार्शियली हेल्प करते रहते हैं, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। किसी इंस्टेंट पे हम वैसे भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने दिखाया था, आप ऐसे दिखा दो या फिर आप ऐसे दिखा दो जैसे मैंने दिखाया था, क्या किया था बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन, लेकिन तीसरे किसी एक के साथ क्या किया, यहां पे बॉन्ड बना दिया, बोरॉन पे नेगेटिव आ गया क्योंकि बोरॉन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फ्लोरीन को लॉस हो गया तो फ्लोरीन पे प्लस दिखा दिया, उधर क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते ना, और बढ़िया से दिखाने के लिए मैं यहीं पे यूज कर लेता हूं, ऐसे दिखा देता हूं, भाई देख अगर तू डबल बॉन्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली दिखाएगा तो ऐसे दिखा दीजिए, टिंगी टिंगी मार के, समझते हो ना टिंगी टिंगी, हाँ ऐसे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको वैसे नहीं दिखाना है, डब ऐसा दिखाना है, यहां पर इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का फायदा इससे ये समझ में आता है कि बोरॉन को बहुत खुशी मिल रही है, वो काइंड ऑफ ऑक्टेट वाली सिचुएशन में चला गया है,
चार बॉन्ड बन जा रहे हैं, आठ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ ऑक्टेट वाले सिचुएशन में चला जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं क्या कि बैक बॉन्डिंग से फायदा बहुत होता है उस आइटम को जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जो दाना होता है उसे बहुत फायदा होता है। हाँ जी बिल्कुल फायदा होता है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर से क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस और साथ में क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, और साथ में क्या होगा दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज। अब बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज, और ये पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो जाएगा भाई, ये कैसी बात हो गई, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होगा ये जस्ट आपको दिखा दे कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा भाई। जरा देखिए आप, सपोज दैट मैं कुछ थोड़ा आपको डराने के लिए नहीं बट आपको समझाने के लिए मॉलिक्यूल ले रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे बोलते हैं बोराजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन, देखिए क्या इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैकबॉन्डिंग है, हाँ जी बिल्कुल बैकबॉन्डिंग है ना, देखिए यहां पर बैकबॉन्डिंग है। इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा होगा, सेकंड पीरियड का एटम है, तीन बॉन्ड होगा तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल। और देखिए नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड के बाद क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो यहां से यहां फ्लो हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। ठीक वैसे ही देखिए यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फ्लो हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तीन जगह बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो तीन जगह बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो बैक बॉन्डिंग के बाद देखिए क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में हर जगह नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में बॉन्डिंग की कंडीशन, बॉन्डिंग की जो सिचुएशन है ना दोस्तों, वो थोड़ी चेंज हो रही है। अच्छा कैसे चेंज हो रही है देखा जाए, देखिएगा कैसे चेंज हो रही है नाइट्रोजन बोरोन के बीच में क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने तो बताया कि आप दोनों तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, प्लस माइनस करके। नाइट्रोजन डोनर था बेचारा, उस पर प्लस आ गया, बोरोन पर माइनस आ गया, फिर नाइट्रोजन डोनर है उस पर प्लस आ गया, और जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस आ गया, फिर देखिएगा नाइट्रोजन पर प्लस आ गया और जो बोरोन है उस पर क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना। ये काम आपने हर जगह कर दिया, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर डाल दिया प्लस माइनस करके। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन पर देखना क्या इफेक्ट पड़ा, यहां जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हियर एट दिस पोजीशन, यहां पर जो नाइट्रोजन है देखिएगा, इसके पास ना कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक दो तीन, और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, फोर। इससे हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा दोस्तों, sp3। देखा, वैसे इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, वैसे इस नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, बट इस नाइट्रोजन को देखिए, अब इसके पास ना तीन सिग्मा बॉन्ड, उसका लोन पेयर डोनेशन में चला गया और वो कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में। अब यहां पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए sp2 हो गया। देखा, कोई जादू नहीं है, सिर्फ बैक बॉन्डिंग है, पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से क्या बन गया, sp2 बन गया। दिख रहा है ना आपको, ठीक वैसे ही देखिएगा, यहां पर जो नाइट्रोजन है इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो भी sp2 हो चुका है, बिकॉज भाई साहब इसके पास भी तीन सिग्मा बॉन्ड है, और वैसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी देखिएगा तीन सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो हर बार जब बैक बॉन्डिंग होगी ना, उससे क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, समझ गए, ओके। सो हाइब्रिडाइजेशन से बैक बॉन्डिंग, सॉरी बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। अब क्या करेंगे बॉन्ड एंगल वाले सेक्शन के लिए, तो बॉन्ड एंगल वाले सेक्शन को समझाते हैं, 2 मिनट से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं कुछ आ जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना, जस्ट आफ्टर ब्रेक। इनफैक्ट कुछ लेकर आते हैं, आपसे बातें करते हैं।
भाई ब्रेक ले लो। ओके
वो तो मैं रिव्यू का डाल भी सकता हूँ ना, I am back. लोग तो चले गए लगता है. ब्रेक के बहाने है क्या? अभी तक हो? मुझे तो लगा चले गए सारे लोग. लेट्स स्टार्ट साची. थैंक यू सो मच. ज्यादा गर्म तो नहीं? नॉर्मल है, पी सकते हो. नॉर्मल. आई क्यू जस्ट कल है, कल रात चंडीगढ़. शाश्वत या शाश्वत? शाश्वत नाम से कल कौन था? बहुत मजाक उड़ा रहा था मेरे एनटीएससी महाराष्ट्र. थोड़ा और चाहिए मार्क्स, बट चांस रखो स्वाति. अच्छा तू ही था शाश्वत? नो नॉट मी, कोई और था शाश्वत. चलो दौड़ रहा है. बॉन्ड एंगल कॉम्पेरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू कीप इन माइंड. क्या है? बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा ना तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, बिकॉज के अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। सपोज दैट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने अभी जाते जाते एग्जाम्पल दिया था बोराजीन का, B3N3H6 का, तो बोराजीन वाला जो एग्जाम्पल था दोस्तों उसमें sp3 नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा था sp2 में, तो 109.5 डिग्री ना जो जो एंगल था वो चेंज हो रहा था इसमें 120 डिग्री में। आप सोचो तो अगर आपने बैक बॉन्डिंग पाई, बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है ओके। अब बॉन्ड एंगल वाले सेक्शन के बाद ऑक्सीसाइड वाला सेक्शन है, मिस नहीं करना ऑक्सीसाइड वाला, बार बार बोल रहा हूँ, मजेदार भी है, सीखने को भी बहुत कुछ है उसमें, एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाने बहुत ईजिली आ जाएंगे, ट्रिक्स है, उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ऑक्सीसाइड के स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिंदगी भर के लिए, और किसी को भी सिखा सकते हो फिर। सो बैक बॉन्डिंग जरूरी होगा बॉन्ड एंगल के लिए, और एक और कॉन्सेप्ट में ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस रूल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। जानते हैं ड्रैगोस रूल क्या है, देखते हैं ड्रैगोस रूल क्या है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हम देख चुके हैं, सो ड्रैगोस रूल जानना है। ड्रैगोस रूल क्या बोलता है, ड्रैगोस रूल कहता है कि इन मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन के ग्रुप वाले आइटम्स, ये ऑक्सीजन के ग्रुप वाले आइटम्स, नाइट्रोजन के हाइड्राइड बने हुए, ऑक्सीजन के हाइड्राइड बने हुए, है ना। सो ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंगली NH3 के नीचे जितने भी हाइड्राइड्स दिख रहे हैं, और H2O के नीचे जितने भी हाइड्राइड्स दिख रहे हैं जिनको हमने सर्किल कर दिया रेड से, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों ऐसा बोला ड्रैगोस ने, मैं बताता हूं। सबसे पहले सुन लीजिए, ध्यान में रखिए, NH3 के नीचे जितने भी उसके ग्रुप से बनने वाले हाइड्राइड है, ऑक्सीजन H2O से नीचे ऑक्सीजन के ग्रुप से बनने वाले जितने भी हाइड्राइड्स हैं, इनमें ड्रैगोस ने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेना है। क्यों सुनिएगा, वो भी बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे क्यों ऐसा है हाइब्रिडाइजेशन लेना ही नहीं। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेना है तो सब पता है क्या फायदा होगा। एक्चुअली जो फायदा होने वाला है ना, उसी से रिलेट करके ही ड्रैगोस ने एक्चुअली पॉइंट्स बताए हुए हैं क्यों हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने के पीछे रीजन है, पहले देखिए NH3 का स्ट्रक्चर याद कराया आपको, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बोलिएगा। देखिए NH3 के पास स्टेरिक नंबर है 4, स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, है ना। ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, पिरामिडल होती है, कट गया स्क्रीन पे, दिख रहा है मुझको, तो एक काम करते हैं इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं, N के पास लोन पेयर है, अब तो ये साफ दिख रहा है, हाँ, और 3 हाइड्रोजन है, पिरामिडल शेप होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो एंगल हमें दिखाई देता है वो 109.5 नहीं होता है, 106.5 के आसपास होता है, 107 भी बोल देते हैं, है ना, 106.5 के आसपास होता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो वो जो 109.5 डिग्री होना चाहिए था वो एक्चुअली कंप्रेस होकर के 106.5 बन जाता है, ठीक है। सो वो तो चलो ठीक है, लोन पेयर के कंप्रेशन की वजह से हो रहा है, बट नाइट्रोजन का अपना आप अगर बॉन्ड एंगल या अमोनिया में अगर डिस्कस करोगे तो वो 106.5 है, नॉट मच लेस देन 109.5, थोड़ा डिफरेंस है, 3 डिग्री का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली 106.5 डिग्री अपने आप में क्या है, एक बॉन्ड एंगल जो रेगुलर स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है उससे तो कम है, ठीक है। बट ये मॉलिक्यूल भाई साहब ऐसे हैं जिनमें ना बॉन्ड एंगल, देखिए अगर मैं आपसे PH3 का हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा ना, तो आप उसको भी NH3 के जैसा बना करके फटाफट बता दोगे, बोलोगे नाइट्रोजन के ग्रुप का फास्फोरस है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, NH3 के जैसा PH3 बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, तो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट के PH3 में फास्फोरस शुड हैव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, बट एक्चुअली there is no hybridization in PH3 according to Drago's rule. So you were expecting that ke hybridization should be sp3, but Drago suggests that ke there is no hybridization in all these molecules jo NH3 ke niche aa rahe hain, theek waise H2O mein. kyun
क्यों? रीजन है बॉन्ड एंगल. ड्रैगोस ने कहा कि यहां हमने बॉन्ड एंगल पाया है क्लोज टू 90 डिग्री, यहां भी क्लोज टू 90 डिग्री, यहां भी क्लोज टू 90 डिग्री. वैसे इनकी अपनी वैल्यूज होती हैं, जैसे 93, 92, 91 और 91 से भी कम क्लोज टू 90 डिग्री. यहां भी ऐसे ही होता है, 92 डिग्री, 91 डिग्री, और थोड़ा कम, और थोड़ा कम, क्लोज टू 90 डिग्री. सो कलेक्टिवली इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, याद रखते हैं NH3 के नीचे आने वाले मॉलिक्यूल, H2O के नीचे आने वाले मॉलिक्यूल, सब में बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री. बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री, जरा सोच कर देखिए. अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है NH3 में, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा, sp3, और तब बॉन्ड एंगल आएगा 106.5. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो NH3 में नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा? सपोज दैट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम समझा पा रहे हैं कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में से तीन से सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक से लोन पेयर बन गया. बट सपोज दैट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, सो फिर कैसे बॉन्ड बनता? ऑब्वियसली हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से जब बॉन्ड नहीं बनता है तो प्योर से बनता है. प्योर इज ऑल्सो नोन एज अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. अगर हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ऑब्वियसली वो किससे बनेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड से. एंड अनहाइब्रिडाइज्ड मींस प्योर. समझ रहे हैं? अभी तक हम क्या जानते हैं, हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा या लोन पेयर उसमें रखाएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड बनना होगा ना, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड से बनेगा, यानी प्योर से बनेगा. हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से लोन पेयर फिक्स हो जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में. बट अनहाइब्रिडाइज्ड से क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है. अनहाइब्रिडाइज्ड से क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है. ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड इज ऑल्सो नोन एज प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. सो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है दोस्तों, ऑब्वियसली अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे, ऑब्वियसली प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होंगे. तो अगर आप यहां पर कहते हो कि हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यूज नहीं होगा, ड्रैगो ने कहा हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल यूज नहीं होगा क्योंकि इनके सारी कैरेक्टरिस्टिक बता रही है, इनके बॉन्ड एंगल बता रहा है, बॉन्ड एंगल बता रहा है, भाई बॉन्ड एंगल इतना कम है कि यहां पर ना, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं लेना चाहिए. यहां पर बिल्कुल ऐसा 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 एनवायरनमेंट है जिसे देखकर ये लगता है कि इन्होंने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किया है. क्योंकि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करेंगे, तो सोचो चार बॉन्ड्स हैं, तो चार ऑर्बिटल को यूज किया होगा उन्होंने, एस को यूज किया होगा, फिर पीएक्स, पीवाई और पीजेड को अलग अलग यूज किया होगा, हाइब्रिडाइज यानी मिक्स करके यूज नहीं किया होगा. अगर ये हाइब्रिडाइज करके यूज करते तो बॉन्ड एंगल कुछ इस टाइप का होता, 106.5 टाइप का होता, जैसे NH3 में होता है, कुछ उस टाइप का बॉन्ड एंगल होता. एग्जैक्ट वो नहीं होता तो उसके क्लोज तो होता, बट बहुत ह्यूज डिफरेंस है. 106.5 होता है NH3 में, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, बट इन सब का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के क्लोज चला जाता है. तो 90 डिग्री के क्लोज चला गया मींस के वहां पर अब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे, अनहाइब्रिडाइज यूज हो रहे. और अगर अनहाइब्रिडाइज यूज हो रहे हैं तो अनहाइब्रिडाइज का दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मीनिंग क्या होता है अनहाइब्रिडाइज बोलने का, उसका मीनिंग होता है कि आप प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं. तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से यूज होंगे, चार बॉन्ड्स बनाने, चार अलग अलग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होंगे, जिसमें पीएक्स, पीवाई और पीजेड कौन से एंगल पर रखे रहते हैं दोस्तों, पीएक्स, पीवाई, पीजेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो पीएक्स, पीवाई, पीजेड ना 90 डिग्री पर रखे होते हैं, ये 90 डिग्री पर रखे होते हैं. तो वो सजेस्ट भी कर रहा है हाँ कि यार यहां पर जब बॉन्ड एंगल, यहां पर रियलिटी में पाया गया कि बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री. If bond angle is found to be close to 90 degree, तो यार अगर bond angle is found to be close to 90 degree, उसका meaning क्या होगा दोस्तों? If bond angle is found to be close to 90 degree, क्या meaning होगा? No hybridization, because के अगर hybridization होता तो bond angle तो इस type का आता, ammonia type का. बट बॉन्ड एंगल अगर 90 डिग्री के क्लोज जा रहा है तो वो तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल होता है, पीएक्स, पीवाई, पीजेड, ये क्लोज टू, ये कौन से एंगल पर होता है, 90 डिग्री पे, है ना? तो 90 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है ना, वो क्या सजेस्ट करेगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं. अगर वो उस तरह के बॉन्ड एंगल आते 106.5 टाइप के जो स्टैंडर्ड एंगल के क्लोज होता है, तो मानते कि हाइब्रिडाइजेशन है. तो इसीलिए ड्रैगो ने सजेस्ट किया नहीं लेना इनमें हाइब्रिडाइजेशन, इनका बॉन्ड एंगल इतना कम है, 90 डिग्री कितना क्लोज है कि आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं ले सकते. वो सजेस्ट कर रहा है बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज किए गए, सेम कहानी इनके साथ है. तो ये ऐसे स्पेसिस है ना जिनके साथ आपको, जिनके जिनके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री रखते हैं और इसीलिए इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं लिया जाता है. अब देखिए क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपेयर बॉन्ड एंगल,
कंपेयर बॉन्ड एंगल, और ना आपको पहले सेट में ना आपको ये दिया गया, सपोज दैट मैंने आपको दिया ये दिया, देखिए सी एच फोर, सी एच फोर के साथ मैंने NH3 दिया, NH3 के साथ मैंने PH3 दिया, देखा मैंने बोला इन तीनों का ना कंपेयर कीजिए बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए सबसे पहले ड्रैगोस रूल अप्लाई कीजिए और देख लीजिए क्या कोई मॉलिक्यूल है ड्रैगोस मॉलिक्यूल, यस है ना, एक मॉलिक्यूल है जिस पर ड्रैगोस रूल लगता है, उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, वो सबसे लीस्ट हो गया, सबसे नीचे हो गया, सबसे नीचे हो गया फट से। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इन दोनों को कंपेयर करेंगे, भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है sp3 है, ठीक है डन है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट दोस्त ये इररेगुलर स्ट्रक्चर है, यहां लोन पेयर है ना, और CH4 में लोन पेयर नहीं है, CH4 में लोन पेयर नहीं है, CH4 में लोन पेयर नहीं है, अगर CH4 में लोन पेयर नहीं है दोस्तों तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 109.5 के साथ जाएगा, NH3 का हमें पता है 106.5 डिग्री चला जाता है ऑलमोस्ट, है ना, क्यों, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, देखा लोन पेयर रिपल्शन से क्या करेगा बॉन्ड एंगल को कम कर देगा, लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल को क्या कर देता है कम कर देता है, तो यहां बॉन्ड एंगल कम हो जाता है रिपल्शन की वजह से और कम होकर 106.5 डिग्री आ जाता है, बताओ क्या ऑर्डर आया बॉन्ड एंगल का, क्या ऑर्डर आया बॉन्ड एंगल का, करेक्ट आंसर इज CH4 देन NH3 और वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट कि PH3 शुड बी एट द एंड, देख रहे ऐसे कंपेयर होता है बॉन्ड एंगल, समझे ड्रैगोस मॉलिक्यूल कौन कौन से ड्रैगोस मॉलिक्यूल है NH3 के नीचे सारे। वरुण राज सर इस द PH3 डज नॉट रिएक्ट विद HCl एज प्योर एस ऑर्बिटल विल नॉट डोनेट लोन पेयर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बात सही बात सही बात, गुड 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 वरुण भाई, यस 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 यस, बढ़िया भाई, बोलो ड्रैगोस रूल आ गए, क्वेश्चन दिया जाए बॉन्ड एंगल पे, बिकॉज क्वेश्चन बॉन्ड एंगल पे बहुत फंसाने वाले होते हैं, मैं अब एग्जैक्टली ट्रिक बताने वाला हूं फाइनली कि जब कभी भी आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करने जाओ तो आखिर आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना, मैंने रियलाइज करा दिया ड्रैगोस मॉलिक्यूल दोस्त अगर आप पहचान लेते हो काम बहुत आसान हो जाता है, वैसे ही बैक बॉन्डिंग भी है, तो ड्रैगोस रूल एंड बैक बॉन्डिंग, शिवम हाय, ड्रैगोस सीक्रेट सेंटा अभिषेक, हाँ सीक्रेट सेंटा मैं ही था सीक्रेट सेंटा, सो अगर हाँ कोई बात नहीं, जीरो स्टूडेंट चाहिए, कोई स्टूडेंट ड्रैगन नहीं है, ड्रैगन नहीं है, ड्रैगोस है ड्रैगन रूल नहीं है, ड्रैगोस रूल है ना, IUQC है, IUQC के बारे में लोग अभी जानते ही नहीं है तो कैसे लोग आएंगे देखने के लिए, है ना, IUQGS में भीड़ होती है, लोग जानते हैं कि जूनियर साइंस ओलंपियाड है, IUQC में अभी अवेयरनेस नहीं है, बट कोई अवेयरनेस आ जाएगी, और अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा, दूसरा सुबह का मौसम है लोग उठते नहीं है और मैंने तो आई किसी की लेक्चर सुबह में ही लगानी है, सबकी नींद तोड़वानी है, उठ जाओ मोहन प्यारे, ओके सो ये है बातें, चलिए बड़े फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे ऐसे बढ़ेंगे ना आगे क्वेश्चन के साथ, कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हमें ऑक्सीसिड भी देखने हैं, नहीं करते साइड से सॉल्विंग करते, फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ट्रिक या प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या है ना प्रायोरिटी ऑर्डर आपको समझना है कि
किस तरह से बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने जाएंगे तो आखिर क्या प्रोसेस होता है कंपेयर करने का। अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करने जा रहे हैं ना, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का, मैंने जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना है या बताना है आपको, उसका पर्पस ये है कि आप ना पहले कौन सी बात को सोचेंगे, किस बात की प्रायोरिटी पहले है, फिर किस बात की प्रायोरिटी, फिर किस बात की प्रायोरिटी, ये पॉइंट। सो यार अगर आप बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने जा रहे हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ना हम चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। अब जब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन जब आप चेक करने जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ना दोनों चीजें आ रही है, ड्रैगोज रूल भी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है और बैक बॉन्डिंग भी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है। बैक बॉन्डिंग भी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें, ड्रैगोज रूल भी है, बैक बॉन्डिंग भी है, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है। ड्रैगोज रूल में तो हमने देखा पहले पहचान लो कहां पर कौन सा स्पेसीज है जो कि हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। आपको पता है NH3 के नीचे सारे, H2O के नीचे सारे, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। पहली प्रायोरिटी हाइब्रिडाइजेशन की, इनफैक्ट के पहला क्वेश्चन तो इसी से बन जाएगा। देखिएगा यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, और जब आप C2H2 में जाएंगे तो C2H2 में क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp, सो sp हाइब्रिडाइज्ड है। C2H4 में जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, ठीक है। तो भाई sp3 sp2 sp सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, sp, उसके बाद किसमें, sp2 है ना, उसके बाद किसमें, sp3। तो बॉन्ड एंगल sp2 वाले में 120 या 180 और यहां पर 109.5। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ, सबसे ज्यादा C2H2, C2H2 के बाद कौन आएगा, C2H4, और लास्ट में कौन आएगा, CH4 होगा ना, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले। नेक्स्ट वाले में भी हाइब्रिडाइजेशन से बात बन जाएगी। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, बिकॉज के CO2 लीनियर होता है, इस तरह से अटैच्ड होता है। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 विद वन लोन पेयर, sp3 एंड लोन पेयर है, और CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है और sp3 है। अब ज्यादा बॉन्ड एंगल sp में होता है तो CO2 टॉप पर आ जाएगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ। इसके बाद sp3 दो तरह के हैं, जब sp3 में लोन पेयर डालेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और अगर लोन पे नहीं डाला तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सो NH3 आ जाएगा बॉटम पर, है ना, CO2 के बाद कौन आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आइए, देखिए CH3+ बनाइए। देखिए CH3+ कैसे बनेगा, तीन बॉन्ड बनाएंगे आप हाइड्रोजन के साथ। जब तीन बॉन्ड आप हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 है, CH3+ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ ऊपर है। CH4 sp3 hybridized है, कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, और CH3 माइनस यहां पर साइड में बना के आपको दिखा दूं, देखिएगा CH3 माइनस रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। CH3 माइनस मतलब कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 चले गए बॉन्डिंग में, 2 आ गए यहां पर लोन पेयर के फॉर्म में। तो CH3 माइनस है, CH3 माइनस में आपको दिख रहा है कि sp3 hybridization with one lone pair है। अगर वन लोन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन है sp3, दैट मींस कि भाई यहां पर लोन पेयर का इफेक्ट आएगा, बॉन्ड एंगल 109.5 से कम हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109.5। अब बताइए टॉप पर कौन आ गया, CH3+ विद 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, सो CH3+ इज ऑन द टॉप, CH3+ चला गया ऊपर। अब CH3+ के बाद कौन आएगा, ऑब्वियसली CH4 आएगा, और CH4 के बाद कौन आएगा, तो CH3 माइनस आ जाएगा, बिकॉज़ CH3 माइनस के पास लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से क्या आएगा, रिपल्शन आ जाएगा, है ना, और ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, डन। अब इसके बाद फिर फोर्थ वाले पे आए, NH4+, देखिएगा NH4+ में चार बॉन्ड्स sp3, वैसे तो NH3 भी sp3 है, बट sp3 विद वन लोन पेयर है, और क्या सिखा रहे हैं बार 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 क्या सिखा रहे गाइस, sp3 विद वन लोन पेयर, sp3 विद वन लोन पेयर, ये जो sp3 विद वन लोन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमेशा कम हो जाएगा, ये रेगुलर sp3 है तो बॉन्ड एंगल वही 109.5 रहेगा। NH2 माइनस में और भी दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर होता है, तो बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम हो जाएगा। हालांकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस, sp3 है बट विद टू लोन पेयर है, ठीक है, टू लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड एंगल और भी कम। तो सबसे ज्यादा NH4+ और फिर NH4+ के बाद सिमिली NH3 जहां पर sp3 विद वन लोन पेयर है, देन NH2- जहां पर sp3 विद टू लोन पेयर है।
सो यहाँ पर तो अभी ड्रैगोस ड्रैगोस रूल वाले तो मैंने कम क्वेश्चन दिए और बैकबर्निंग के कम दिए, वो लगाते हैं। उससे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर को कम्प्लीटली बता देते हैं क्योंकि मैंने अभी कम्प्लीटली लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पर, तो कम्प्लीटली बता दें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल, ताकि ये सब तो ईजी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन में फंसे ना। प्रायोरिटी फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल, प्रायोरिटी फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल में देखिएगा, प्रायोरिटी फॉर कंपेयरिंग बॉन्ड एंगल में सबसे पहले हमने रखा है हाइब्रिडाइजेशन को, और उसके साइड में ये दिमाग में रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन किन बातों से अफेक्टेड होता है। हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए ड्रैगोस रूल का ध्यान रखेंगे, है ना, ड्रैगोस रूल के साथ साथ बैक बॉन्डिंग का भी ध्यान रखेंगे, दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन को इफेक्ट करने वाले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है सेकंड प्रायोरिटी साइज, और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे लिए ना लीस्ट प्रायोरिटी होती है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, बट अप्लाई कैसे करना है ऑब्वियसली ये तो क्वेश्चन के थ्रू करना होगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन वाले पॉइंट्स पर दिखाए हैं। अब ये देखना है कि साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर सकती है। चलो देखते हैं, साइज भी देखना है ना, और वो भी देखना है। पहले ऊपर जो ड्रैगोस रूल और बैक बॉन्डिंग उनको देख लेते हैं। कंपेयर करने के लिए दिया गया बॉन्ड एंगल और क्वेश्चन दिए गए, ऐसे जैसे उस वक्त मैंने दिया था भाई CO2 उठा लेते हैं, C2H2 उठा लेते हैं, NH3 उठा लेते हैं, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल को उठा लिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया। हमने फट से देखा ये ड्रैगोस है, ये सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। SP हाइब्रिडाइजेशन, ये भी SP, sp2 hybridization, ठीक है, NH3, sp3, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल का है sp वाले में CO2, उसके बाद फिर C2H4 में sp2 है, उसके बाद फिर sp3 में, बॉन्ड एंगल ऐसे कम होता है ना sp में सबसे ज्यादा, फिर sp2 में, फिर sp3 में, तो जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन का चला वैसे काम बन गया। और ड्रैगोस तो भाई साहब कहां आ जाएंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, N के साथ CH3 लगा है, ठीक है, 3 CH3 लगाए मैंने, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड के बाद एक लोन पेयर होता है, इसका कंपैरिजन करना है बॉन्ड एंगल में इसके साथ, CH3 की जगह SiH3, सिलिकन ठीक कार्बन के ही ग्रुप में है, तो वैसे ही हमने कार्बन हटा करके सिलिकन लगा दिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा, देखिएगा दोनों में कंपैरिजन करना बॉन्ड एंगल का। तो मैंने बोला कि हमेशा बैक बॉन्डिंग को जज कर लीजिए, हमेशा ड्रैगोस रूल को जज कर लीजिए। इससे पहले वाले सेक्शन में क्वेश्चन इजी थे, अभी थोड़ा बेटर बनाया है क्योंकि ऊपर वाला एग्जांपल ड्रैगोस को इंक्लूड करके, नीचे वाला बैक बॉन्डिंग भी इंक्लूड करके, तो आप पहले ये बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में किसके पास बैक बॉन्डिंग है, कैसे कंपेयर करेंगे? हमेशा सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, देखिए सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एटम है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, न्यूट्रल स्टेट में सेकंड पीरियड से बेरिलियम एंड बोरॉन है जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और बाजू में देखिए कार्बन के पास, तो कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, तो यहां बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। लेकिन यही बात यहां नहीं, बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल आप लिख लेंगे इस वाले में CH3 वाले केस में, बट सिलिकन वाले केस में तो बैक बॉन्डिंग है पॉसिबल। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, नाइट्रोजन फिर से 3 बॉन्ड के साथ है तो लोन पेयर होगा, और सिलिकन थर्ड पीरियड का एटम है, तो आपको क्या बताया थर्ड पीरियड या उससे आगे के जो भी एटम्स होते हैं उनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल आना ही आना है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं तो डी ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो पाते पूरी तरह से, और एफ अगर आता है किसी में तो वो तो वैसे ही फिल नहीं होता। सो थर्ड पीरियड का एटम है, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने पहचाना, बस बात बन गई। क्या बात बन गई भाई? जो सिलिकन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी। अब जब बैक बॉन्डिंग होगी तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और सिलिकन के बीच में आप ऐसी बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, देखिएगा SiH3, और यहाँ जो SiH3 है ना, यहाँ पे सिलिकन के पास माइनस क्योंकि उसने गेन कर लिया, डबल बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन पे प्लस, देखा। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो गया, sp2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 क्यों हो गया दोस्तों? हाइब्रिडाइजेशन इसलिए sp2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए sp2 हो गया क्योंकि आपने देखा कि नाइट्रोजन के पास अब कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए,
एक दो और तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। जबकि पहले हाइब्रिडेशन क्या था, sp3 था बैक बॉन्डिंग होने से पहले, तो sp3 से चेंज होकर के क्या हो गया sp2। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एक धोखा है। सच्चाई में क्या है, ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए, देखिए स्टेबिलिटी ज्यादा यहां है, इसलिए है क्योंकि सिलिकन को साफ दिख रहा है कि सिलिकन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए। यहां पर क्या दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चूंकि यहां पर बैक बॉन्डिंग, अच्छा आपको एक और बात बता दें, देखिए बैक बॉन्डिंग कई बार बैक बॉन्डिंग अलग अलग जगह पर दिखाई देगी अलग अलग एटम्स के बीच में, लेकिन बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग तब होती है जब दोनों आइटम क्या होते हैं, सेकेंड पीरियड के होते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है कि सेकेंड पीरियड के दोनों आइटम अगर होंगे, जो डोनर है और जो एक्सेप्टर है, दोनों ही अगर सेकेंड पीरियड के आइटम होते हैं, दोनों ही अगर सेकेंड पीरियड के आइटम होते हैं, सर कैन यू रिपीट करना है क्या बोल रहे हो रॉक्सोस, आज नहीं है, कल है ना, आपके दो दिन लगातार हो गए, अभी फिर बीच में आप दो दिन आपको ब्रेक है और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा, कल से फिर कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है, आएगी जैसी क्लास। So guys, क्या बता रहा था मैं कि देखो ये जो मॉलिक्यूल है ना NSIS3, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी बैक बॉन्डिंग होती है, और अगर बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करा देगी। अच्छा ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, और जो बॉन्ड एंगल आएगा sp2 में वो 120 डिग्री होगा। तो यहां बैक बॉन्डिंग है, वहां बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल वही का वही रह जाएगा 109.5 डिग्री, यहां पर चेंज हो जाएगा sp2 में आकर के 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। लेकिन मैं एक और बात साथ साथ बता रहा था कि आपको अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बैक बॉन्डिंग दिखती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग तब होती है जब एटलीस्ट एक एटम, दो एटम जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनमें एटलीस्ट एक एटम सेकेंड पीरियड का हो। क्यों है ऐसा, सेकेंड पीरियड के एटम होने से क्या होता है, साइज छोटा होता है और जो बॉन्डिंग होगी वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगी। फिर से सुनिए, सेकंड पीरियड के एटम होने से क्या होता है, साइज छोटा होता है और जो बॉन्डिंग होगी वो क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगी। अब क्लोजर टू द न्यूक्लियस होने से क्या होता है दोस्तों, क्लोजर टू द न्यूक्लियस होने से ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोजर टू द न्यूक्लियस होने से ऑब्वियसली क्या होता है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस होने से बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना, न्यूक्लियस से क्लोज चलेगी बॉन्डिंग, न्यूक्लियस से क्लोज चलेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो सेकेंड पीरियड के एटम छोटे हैं साइज में, वो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग दिखाते हैं। अगर दोनों आइटम जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बैक बॉन्डिंग में, दोनों ही सेकंड पीरियड का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जैसे बोरोन ऑक्सीजन के बीच में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, बोरोन फ्लोरीन के बीच में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है, बोरोन नाइट्रोजन के बीच में बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है ना। तो ये बोरोन वैसा आइटम है सेकंड पीरियड से जो कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसे आइटम से जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसे, बोरोन को। तो बोरोन का जो बैक बॉन्डिंग होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं। जो डोनर है वो भी यूज करेगा वो और उन ऑर्बिटल्स को जो कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस होते हैं, और जो एक्सेप्टर है वो भी यूज करेगा उन ऑर्बिटल्स को जो कि न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। इससे क्या होने वाला है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनने वाली है। अब सपोज दैट दोनों आइटम सेकंड पीरियड के नहीं है, कोई एक सेकंड पीरियड का है, कोई एक थर्ड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, देखिए अब एक सेकंड पीरियड का एक ही बचा तो बॉन्डिंग अब कमजोर हो जाएगी है ना, बट स्टिल बैक बॉन्डिंग तब तक इफेक्टिव होती है, तब तक काम की होती है जब तक एटलीस्ट एक आइटम सेकेंड पीरियड का है। अगर दो आइटम में से कोई भी सेकेंड पीरियड का नहीं है तब फिर बैक बॉन्डिंग ना इनइफेक्टिव होने लगती है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जरा देखिएगा, यहां जो बैक बॉन्डिंग हुई है, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से मैंने हाइब्रिडाइजेशन को चेंज माना है, तो क्या ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, आंसर यस, ये एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, क्योंकि एटलीस्ट एक आइटम तो सेकेंड पीरियड का है ना, सेकेंड पीरियड का आइटम, एक आइटम सेकेंड पीरियड का, दैट मींस कि इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, यहां तो खैर बैक बॉन्डिंग ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग को समझिए, कब होता है इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, जब एटलीस्ट एक आइटम क्या होता है, सेकेंड पीरियड का होता है, ठीक है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, एटलीस्ट वन आइटम is from second period, at least एक आइटम कहां से होगा, second period से, कम एक आइटम होना चाहिए second period से,
वरुण राज सर, क्या जेडीली में इतना डिटेल थ्योरी दिया है? जेडीली में एग्जांपल्स दिए हैं अच्छे, और जेडीली का जो जेडीली की जो नई बुक है ना वरुण, जेडीली बाय सुदर्शन गुहा, उसमें बैक बॉन्डिंग अच्छे से एक्सप्लेन है। ठीक है, अब मेरा काम यह है कि आपको थोड़ा बस, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बुक जो है वो उसका उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है कि दिक्कत होती है खुद से समझने में, बट फिर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है जो नई बुक है जेडीली की सुदर्शन गुहा वाले, बिंदास यूज कीजिए उसको तोड़ फोड़ करके, बढ़िया है। हाँ श्योर श्योर अक्षत, बिल्कुल क्यों नहीं। मैं अभी एक्चुअली देखो अक्षत, तो अभी मैंने अपने हाथ में काम लिया हुआ है कि मुझे ना आईयूक्यूसी आईक्यूजेएस के ना लेक्चर्स को डिजाइन करने, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कराने यहाँ पर इंटरनेट पर अपने चैनल पर, सो दैट के चैनल का जो पर्पस है वो हो जाए। चैनल का पर्पस है ना, पर्पस है कि ओलंपियाड को पहुँचाया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाई जाए। तो मैं पहले अभी इस साल इस पर काम कर रहा हूँ, अप टू फेब मार्च इस पर काम करेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बैचेस जरूर लेंगे आगे, तो और भी बहुत सारी प्लानिंग्स है ना। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो भाई, कौन पूछ रहा है? नाम पढ़ा जाए, सौमिल, बस एनर्जी आपसे आती है। यस अक्षत, परनीत मान, हाँ जी सर एक डाउट है, निधि मैम की क्लास का मैम ने रिप्लाई नहीं किया, आप बताएंगे प्लीज छापिए। वैसे मैम रिप्लाई करेंगे, बिजी होंगी पर रिप्लाई तो करेंगे, आप छापो। चलो तो एटलीस्ट वन आइटम इज फ्रॉम सेकंड पीरियड, तभी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है। चैट बॉक्स में लिख डालो निधि, मैं देखता हूँ। है निधि, निधि मैम, निधि, अरे ये क्या हो रहा है, कितनी बार निधि आ रहा है? अच्छा निधि गुप्ता आपका नाम है ना, ठंड नहीं लगती क्या? हाँ ठंड लगती है, जब मैं ठंडे पानी में जाता हूँ तो ठंड लगती है, ठंडी हवा बहती है तो ठंड लगती है, एसी चलेगी तो ठंड लगती है, एसी ऑफ है दोस्त, इसीलिए अभी जो है ठंड कम लग रही है, और बाकी बीच बीच में तो कॉफी है ही है, कॉफी मंगाई जाए ना, इसी बात से याद है। ओहो थैंक यू राजेश मुकले, थैंक यू सो मच, थैंक यू बूस्टअप करने के लिए, कॉफी मंगाने का टाइम हो गया है, देखा जाए कोई है मेरी हेल्प करेगा कॉफी के लिए। चलो आज कुछ शुभारंभ हमने कर ही दिया कि आज लाइव 9 बजे से पहली बार लाइव किया है, वैसे तो अपन जो है या तो 11 after 12 ही लाइव पर जाते हैं, आफ्टर 12 मतलब कि दिन के 12 में, और या फिर रात में, तो खैर एनर्जी आप लोग इतनी हाई रखते हो कि मतलब मैं तो रात में पहले जल्दी सोने वाला इंसान हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी हाई देख रहा हूँ मैं, और अभी एक दो दिन पहले तो आपने पागल बना दिया था, इतने लोग आ गए थे क्या, याद है आपको? अभी एक दो दिन पहले की बात है, कल भी ठीक थी एनर्जी आपकी, परसों तो बहुत ज्यादा थी, डे बिफोर यस्टरडे आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी, मैं खुद तंग था कि क्या हो गया, ये सब जगराता करने वाले लोगों के बीच में आ गया है ना। ओके सो भाई, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग एटलीस्ट वन आइटम इज फ्रॉम सेकेंड पीरियड, तो अगर दोनों आइटम अगर हो गए तो स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग कब होती है ये भी दिखा दे। Strongest back bonding कब हो रही है? Strongest back bonding होती है strongest back bonding कब होगी भाई? When both the atoms are from second period. Both the atoms are from second period. अब इस पर ना ये मैंने जो पार्ट बताया इस पर क्या होने वाला है, देखो जैसे कि आईयूकेसी का सेक्शन में ऐसा क्या है, ऐसे है कि मैं अपनी तरफ से पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट जैसे बैक बॉन्डिंग के ट्रिक्स मैंने बताए, अब इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन करके दिखा दिया, बट एक सेशन 2-2.5 घंटे का जो रखा हुआ है वो हर 2-3 लेक्चर के बाद एक 2-2.5 घंटे का सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, जो प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं या क्वेश्चन जो लगते हैं जो आ चुके हैं वो सॉल्व करने का है। ठीक है, सो पर्पस अभी के लेक्चर का ये कि आपको सारी बातें एक बार जैसे केमिकल बॉन्डिंग है तो उसको रैप अप किया जाए, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट एक जगह कर दिया जाए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूसी के लिए, अपने जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी तो नहीं है ना, हाँ मज़ा खराब ना हो जाए है ना।
तो ओह थैंक यू शशि, यू लुकिंग स्मार्ट, यू आर मोर स्मार्टर देन मी। हाँ बिल्कुल कराएंगे वरुण, बट IUPSC वाले सेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। आप बोलो तो मैं क्या आपके लिए डिटेल, अगर इक्विलिब्रियम चाहिए आपको अच्छे से, मैं इक्विलिब्रियम की सीरीज अलग लेते आता हूँ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम IUPSC IUPGS, क्योंकि IUPSC में तो फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा होगी, IUPGS में आपको उसका कम पार्ट पढ़ना है, थोड़ा सा थोड़ी सी बातें जाननी है। सो एक काम करते हैं ना, टाइम निकाल करके देखते हैं, होपफुली आप दुआ कीजिएगा टाइम निकले, एंड मैं चाहता हूँ कि उसकी सीरीज आए। इक्विलिब्रियम में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, आप सिवा आपके नहीं सबको ही प्रॉब्लम होती है, मैं चाहता हूँ पूरी ऐसी सीरीज हो जिसमें ना जीरो से स्टार्ट करके एकदम ऊपर के लेवल तक जाए। हाँ IUPSC की क्लास है भाई, IUPM। अरे यार ये वाली कॉफी कितनी ओखी है, खतरनाक है, ये तो आग लगा रही मेरे अंदर। ये अलग ही बीन्स है। निधि सर बताओ ना प्लीज, आपकी तारीफ के ऊपर है डाउट है? मेरी तारीफ के ऊपर डाउट है? अरे बाप रे बाप, ये देख ऐसा कुछ मत लिख देना, बेइज्जती वाली कुछ बात है। ए निधि बोल दो भाई, जब तक मैं 2 मिनट कॉफी पी रहा हूँ बोलो आप, आ जाओ भाई गप्पे मार लो, मारनी गप्पे तो है बताओ। हाँ ये कि भाई तुझे कैसे पहचानेंगे, तू अब सपनों में आने लगा। सपनों में आके कोई बोलता है ना ऐसे, हेलो सर पहचाने, IUPM ऐसे होता है कैंडिड। अरे यार तुम लोगों ने कैंडिड वाले में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे शर्म आ रही है आंसर करने में यार। हाँ कौन बोला मुझे सुस्त, कैसी बातें कर रहे भाई, वहां ऊपर मैंने डाउट डाला है, जहां आपकी तारीफ हुई है। निधि कहां तारीफ हुई है भाई, कहां तारीफ हुई है? कौन सी जगह पे डाउट डाला भाई तूने? सर हाउ यू मैनेज एट नाइट, यू गो होम एट 12 एंड देन कम इन द मॉर्निंग एट 8। अब मैनेज तो करना है परनीत, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बड़ा ऐसे पाएंगे कि आप कुछ अच्छा कर पाओ, आप भी तो इसी तरह से ना फिर मेहनत करोगे। मैंने कैंडिड में क्वेश्चन पूछा है, अच्छा भाई हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पूछी है भाई, सब देखा मैंने, उसका आंसर लगना। सर आप सोए लग रहे हो क्या? ये तुम लोग ना बदमाश सब क्या क्या कमेंट डाल रहे हो, फिर से डाल रही हूँ आप बता दीजिए। एवरीवेयर हेलो सर यू आर ग्रेट, थैंक यू आदित्य वीर, हाय प्रणय हेलो। अब मैं गप्पे मार रहा हूँ, देखो ना सब फटाफट आ गए सर लोग, ये गप्पे मारने के टाइम में सब आ जाते हैं। सर आप सोए लग रहे हो, ये बदमाश भाई। हाँ आई एम हर्ष टेक माई नेम, ले लिया भाई। गूंदा हुआ आटा, गूंदा हुआ फ्लोर, कौन सा मिक्सचर और सॉल्यूशन है? हाय रे मैं नहीं बता रहा, पहले गूंदा हुआ फ्लोर मुझे दिखाओ पहले, सच में गूंदा हुआ फ्लोर है तभी। वरुण जेडली ओरिजिनल पढ़ने का टाइम नहीं दोस्त, पता ही क्या बहुत स्मार्ट तरीका अपनाओ, फॉलो करो जेडली, जेडली जो ओरिजिनल है ना वो छोड़ दो, वो टीचर्स ही पढ़ पाएंगे। और आपके पास ना आपको बहुत स्मार्ट काम करना है, आपको कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, जेडली ऑफ सुदर्शन गोवा इज अल्टीमेट, ले लो उसको, उसमें जो एरर्स है वो आप मुझसे पूछ लेना। सर आपका सबसे बड़ा बैकलॉग कब हुआ था? बैकलॉग क्या था? सर इन दिस प्लेलिस्ट वी विल गेट ऑल लेक्चर फॉर केमिस्ट्री इंपैक्ट प्रिपरेशन, यस तृप्ति एकदम एकदम, बट IUPSC है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कराएंगे, सबसे स्कोरिंग। देखो IUPSC में पता है क्या, फुल सिलेबस की कोई जरूरत नहीं होती है, ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो इसके बाद ऑर्गेनिक का सेक्शन है, ऑर्गेनिक अच्छी करनी होती है सबसे ज्यादा, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन मैंने क्या बताया सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे फर्स्ट स्टेज के लिए तो है क्या कि सब पढ़ करके जाओ, तो बेसिक लेवल पे सब तो आप वैसे भी पढ़ लेते हो समझ रहे हो, बट एक्चुअली क्या है
क्या हमें स्मार्टली क्या करना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों के पेपर एक ही दिन होने हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो हमें ऐसे स्मार्टली पढ़ना है कि सेकंड पेपर के लिए भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, समझ रहे हो ना? कब कौन सी कंपनी का ये वेदांत का हाँ तृप्ति, यस तृप्ति, आई थिंक दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन तृप्ति सर, 2 आवर्स से पढ़ा रहे हो, सैल्यूट यू सर, मोहित सर की जय, और थैंक यू प्रत्यक्षा सर, आप रात में सोते नहीं क्या? बस अर्पित ऐसा ही कुछ है, आप लोग की याद आती है, बस मैं उठता हूँ पढ़ाने के लिए चला आता हूँ, आई भी जिसके लिए काम आएगा, हाँ श्योर आएगा बिल्कुल, इज दिस फॉर 9th और 10th तृप्ति, एक्चुअली ये 9th और 10th का सिलेबस तो नहीं है, बट आई क्यू जी एस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, NTSC Stage 2 के लिए भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। जब तक मैं क्लास 11th का पढ़ा रहा हूँ सेक्शन, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, या फिर अगर मैं GOC पढ़ा रहा हूँ तो GOC भी है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। अरे ये तो खराब हो गया, तुमने तो अभी देखा नहीं मैं कौन से हेयर स्टाइल में आता हूँ निधि आप बता नहीं रहे हो सर निधि तो गुस्सा करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। गुस्से वाले इमोजीज ये आपने खुद से डिलीट किया ना? वैसे अपनी टेक टीम भी है भाई, टेक टीम वाले अपने बहुत जबरदस्त, वो डिलीट कर देते हैं अगर आपने ऐसा से कुछ लिखा तो, फिर आपको टाइम आउट भी कर देंगे, आपको बाहर भी कर चलो भाई यहाँ मैं सबको दे रहा हूँ रिप्लाई, ये देखो ना लड़कियों का ही रिप्लाई दोगे सर, मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ भाई, लड़के लड़की में कोई फर्क, मैं तो कभी जिंदगी में चाहता नहीं कि मुझसे गलती हो, कि मैं ऐसा कर पाऊँ, क्या ऐसा कर दूँ गलती से भी, लेकिन वही है ना कि आप जो है वो लगता है कि बहुत दिल टूटा हुआ है आपका, तो आपके दिमाग में बस यही सब बातें चल रही हैं एक एक बंदे का नाम पढ़ रहा हूँ मैं जब तक चाय पी रहा हूँ। हाय प्रतीक सर, एक बार क्लासिक्स का क्विज लीजिए, मैं क्लासिक्स भाई मैं कैसे सारा काम कर दूँ प्रतीक, बट चलो आई विल ट्राई। हाँ बिना जिम के तो मैं जी नहीं सकता, दिन भर में एक बार तो जिम जाना ही है मुझको चलो गाइस कॉफी खत्म पर है भाई, 2 सिप है, फटाफट पूछ डालो, और भी कुछ पूछना है तो उसके बाद तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, फटाफट पूछ डालो कुछ और भी है तो। मोहित इसके वेंजर ये क्या है, प्लीज ट्राई प्लीज टेक माय नेम, मेरा नाम अर्पित, हाँ ले लिया नाम सर, फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, बहुत हो रही है बातें। सुनिधि सुबह सुबह हाय हाय हेलो हाउ यू गाइस, ले लिया भाई अर्पित तेरा नाम, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का भाई मोहित श्वार्ज़नेगर अभी स्पेलिंग सही कर लिया देखना, हाँ 42 निर्मित पटेल पहले क्या लिखा था मैं इसके वेंजर में, तो क्या लिखा भाई श्वार्ज़नेगर सही है। चाय कैसी है? बिल्कुल कॉफी जैसी है सिरसा आ जाऊंगा, टिकट भेज दीजिए अच्छा कुछ भाई आप मजाक करते हो मैं भी मजाक करता हूँ, ऐसा तो कुछ दिल पे कोई ले नहीं रहा ना, कोई दिल पे तो नहीं ले रहा ना, पहले आंसर करो भाई सारे लोग, कोई दिल पे तो नहीं ले रहा बताओ मुझे यार, हाँ हुमेड चाय मशीन ने बनाया, चाय मशीन की है, चाय नहीं है कॉफी है, कोई इशू नहीं ना, मस्त है ना सब, बातचीत करते तो बहुत अच्छा लगता है ना, तभी तो तुम लोग आ जाते हो, देखो ना जब पढ़ाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा दिल पे चल लेंगे, दिल पे चाय लेंगे तो दिल जल जाएगा, सही है ये बढ़िया है भाई, बैक टू टॉपिक, यस तन्मय खत्म कॉफी 11वीं 12वीं हे सही है, किस क्लास के बाद IQC देना होता है 11वीं 12वीं के लिए होता है IQC, 11th और 12th का पेपर सेम होता है। ओके सो स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर बॉन्डिंग कब होने वाली है व्हेन बोथ द एटम्स आर फ्रॉम सेकंड पीरियड, ये बात थी ठीक है। अब देखिए आ जाइए आप अपने सबसे अच्छे टॉपिक पे, मैं क्या बता रहा था, देखिए ऑक्सो एसिड, ट्रैप्स ऑफ ऑक्सो एसिड, ट्रैप्स ऑफ ऑक्सो एसिड ये डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो आप सारे लोग बकल अप हो जाओ भाई, जो IQ JS वाले वो भी है ना,
इम्पोर्टेंट फॉर IUQGS के लिए भी आई है और IUQC के लिए भी है, सो इसको देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन सीड वाले सेक्शन में पहले मैंने बताया कि देखो आज जो डिस्कशन हुआ, जो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड मैंने जो ट्रिक बताई कैसे फॉलो करते हैं सब पे, दो दिन बाद जो प्रैक्टिस सेशन है ढाई घंटे का सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग है, उन सब में मैं यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से यूज करते हैं। तो चलो ऑक्सीसिड वाले सेक्शन पर आते हैं, जो भी बात है मैं कर रहा हूँ सबके सब यूज करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, अपने प्रीवियस क्वेश्चन वाले सेक्शन में या फिर जो भी हम लोग सॉल्विंग का सेशन रख रहे हैं, आप देखोगे बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा, थंबनेल में लिखा हुआ दिखाई देगा प्रैक्टिस सेशन। तो अब ऑक्सीसिड वाले सेक्शन में देखते हैं, पहले तो ऑक्सीसिड है क्या, एसिड हैविंग एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, सारे लोग अब जोश बढ़ा लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, एटलीस्ट एक ऑक्सीजन एटम होगा ना तो वो क्या होगा, ऑक्सीएसिड होगा। तो मुझे बताओ फटाफट कौन कौन ऑक्सी एसिड है, वहां पर चैट बॉक्स में फटाफट मुझे बता दो, तो ऑक्सो एसिड कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, जल्दी बताओ मुझे कौन कौन से ऑक्सो एसिड दिख रहे हैं, ऑक्सो एसिड कौन कौन सा दिख रहा है दोस्तों, जल्दी बताओ कौन कौन से ऑक्सो एसिड दिख रहे हैं, ऑक्सो एसिड कौन कौन है, कौन कौन ऑक्सो एसिड दिख रहा है, फटाफट बताओ, वो दिखा BOH3 नहीं दिखा, और मैंने देखो ना इसको डी लिखा है कहां हूं मैं, FGBOH3। चलो बताना फटाफट कौन कौन ऑक्सो एसिड है, एटलीस्ट वन ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सो एसिड होगा, क्या फर्स्ट वाला है ऑक्सो एसिड, निधि टाइम आउट कर दिया, पता नहीं बाबू, देखो ऑटोमेटिकली ना देखो टेक टीम ना, और अगर आप कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखोगे जो कि टेक टीम ना कुछ वर्ड्स को अगर डाला होगा, अब कोई जरूरी नहीं, हो सकता है आपका ग्लिच भी तो हो सकता है ना यूट्यूब का, ये तो पता नहीं होता टाइम आउट में डाला कि नहीं डाला अब, लेकिन मैं ये सब डिस्कस नहीं करूँगा ठीक है, अगर हो जाता है आप कुछ वैसी बातें लिखते हो, अब हो जाता है टाइम आउट यार चिल करो, क्या है दूसरे आईडी से कर लो। चलो मुझे बताओ कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑक्सी एसिड वाले में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे छोटे इतना दिल पे क्यों ले रहे हो आप, मेरे आप यहां पर मेरे लिए आए हो कि आप जो टाइम आउट की बातें डिस्कस करने आओ, चलो चिल करो, ऑक्सो एसिड कौन कौन, एकदम बिंदास राग करो, ऐसा होता है, ये तो अच्छी बात है ना, देखो चलो आपके साथ हो जा रहा है वो तो चलो ठीक है कुछ है ऐसा, मैं इसके लिए आपके साथ हूं, लेकिन यार चिल रहो, अच्छा टाइम आउट आ रहा है, चलो कोई बात नहीं यार चिल करो, ठीक है, हाँ बताओ मुझे फटाफट ऑक्सो एसिड कौन कौन सा ऑक्सो एसिड है, ऑक्सो एसिड है देखिए H2SO4 है, एटलीस्ट वन ऑक्सीजन है, HOCl है, HClO4 है, HNO3 है, देखिए इसको मत कर दीजिएगा, ये दोनों तो नहीं है खत्म, अब इसको देखिए BOH3 को, इसको देखिए तो जरा सा BOH3 को देखिए, इसे ऑक्सो एसिड मत बोलिएगा, समझ रहे ना, क्योंकि बोरिक एसिड के बारे में कल ही बताया था मिंटी क्विज में क्या होता है कि BOH3 एक ऐसा एसिड है जो अपना H+ रिलीज ही नहीं करता, ये क्या करता है, ये एक्चुअली वाटर को खुद से अटैच करता है और फिर वाटर का H+ रिलीज करवाता है, ठीक है, तो वाटर का H+ रिलीज करता है, तो बोरिक एसिड इज नॉट एन ऑक्सी एसिड, देखिएगा बोरिक एसिड एक्चुअली ऐसे होता है H3BO3, आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं BOH3, एक तो धोखा हो जाता है कि ये बेस है, बेस नहीं है एसिड है, और एसिड भी है तो ये अपना H+ नहीं रिलीज करता, किसका H+ रिलीज कर रहा था, वाटर का, वाटर से H+ को निकाल करके बाहर फेंकता है, अपना H+ नहीं रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सो एसिड के ना स्ट्रक्चर बनाने सीखने फटाफट, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन ऑक्सो एसिड को ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं और टर्नरी एसिड भी बोलते हैं, ऑक्सो एसिड इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी एसिड, टर्नरी एसिड ये भी उसके अल्टरनेट नाम है, सो ऑक्सो एसिड्स किसके किसके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉस्फोरस के, सल्फर के, है ना, कार्बन एंड नाइट्रोजन के, सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोरस एंड सल्फर के, ये अच्छे से सीखने हैं। तो अब कैसे बनाएंगे आप, तो फॉस्फोरस वाले से शुरू करते हैं, लेकिन ऑक्सो एसिड बहुत अच्छे से आएगा अगर मैं ना आपको ना पहले ही कुछ पेरोक्साइड्स के बारे में बता दूं। देखिए पेरोक्साइड सारे लोग जानते हैं ना, एक तो फेमस पेरोक्साइड आपको पता है H2O2, आपका फेवरेट बचपन से एक पेरोक्साइड तो हमेशा पढ़ते हैं H2O2। H2O2 में दोनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो दोस्तों, कैसे बताओगे, ऑक्सीजन का लोन पेयर देख करके, देखिए दो लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड,
चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर जगह अप्लाई करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, ठीक है। ओके, सो H2O2 के बारे में सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या पता है आपको भाई H2O2 के बारे में? पता नहीं आपको क्या पता, आपको बस इतना पता है ये पेरोक्साइड, बट मैं आपको बता दूं, देखो पेरोक्साइड के दो तीन फंक्शन हमेशा आपको याद होने चाहिए। पेरोक्साइड बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं। ऑक्सीडाइजर, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजर? ऑक्सीडाइजर वो स्पेसीज है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। वो दूसरों को ऑक्सीडाइज तभी करेगा जब वो अपने अंदर से ऑक्सीजन रिलीज करके दूसरों पर ऑक्सीजन का अटैक कराएगा, या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, खुद का रिडक्शन कर देते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, है ना। एन ऑक्सीडाइजर इज अ स्पेसीज व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स। ऑक्सीडाइजर मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो H2O2 ऑक्सीडाइजर है, यहां जो बॉन्ड होता है ना वो वीक बॉन्ड होता है। ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, ये बड़ा आपस में लड़ते हैं, लड़ने का मतलब रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन की वजह से ना यहाँ पर बात नहीं बनती, कमजोर बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है तो खटा टूट जाता है, टूटता है तो बहुत इजीली ना ये क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। मैंने ब्रैकेट में ओ दिखाया, मतलब कि ये एक ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस 6। तो इसको बड़ी भूख होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, या 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज में कन्वर्ट होना चाहता है बहुत जल्दी, ये चाहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो नेसेंट ऑक्सीजन ना बहुत बहुत भूखा होता है, बहुत भूखड़ होता है। क्या होता है? भूखड़। भूखड़ जैसे आप होते हो, मैगी सामने रखी और आप भूखड़ बन गए, ऐसे होते हो ना। तो चलो वो तो मैगी के वजह से हो जाते हो आप, लेकिन ये क्या है, ये है ही नेचुरली भूखड़, इसे भूख लगी रहती है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, देखते हो एनवायरमेंट का ऑक्सीजन ना कहीं पर भी किसी से भी रिएक्ट करता है। एक सेब मैं खाता हूँ, खा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ दिया, मैं देखता हूँ कि उसका कलर ही चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके जो मटेरियल है उसको ऑक्सीजन तुरंत में ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीजन हमेशा तैयार बैठा ऑक्सीडेशन के लिए, है ना, ऑक्सीजन हमेशा तैयार बैठा ऑक्सीडेशन के लिए, यस। तो भाई ये ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन है। तो हर पेरोक्साइड का ये फंक्शन है दोस्तों कि वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। पेरोक्साइड का एक फंक्शन क्या समझ में आया? वो ऑक्सीजन रिलीज करता है हमेशा, एक पेरोक्साइड का फंक्शन है। पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और उनका बॉन्ड ये वीक होता है। तो पता है क्या, पेरोक्साइड के रिएक्शन अक्सर वायलेंट हो जाते हैं, तो बहुत संभाल कर पेरोक्साइड्स को यूज करना पड़ता है। बड़े वायलेंट रिएक्टर भी होते हैं, बहुत तेज रिएक्शन कराते हैं, संभाल करके यूज करना होता है, नहीं तो फिर ओम नमः शिवाय हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तैयार बैठे रहते हैं भाई, सावधानी से हैंडल करो हमें, इनको गुस्सा आता है, बड़े एंग्री मॉलिक्यूल होते हैं ये, बहुत गुस्से में रहते हैं, मौका दिया नहीं कि धमाका, मौके पे चौका मारना इनका काम होता है पेरोक्साइड्स का। चल तो पेरोक्साइड्स सीखने, हमें कुछ पेरोक्साइड्स पहले से पता होंगे तो ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर ना एकदम जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे। तो पेरोक्साइड्स में H2O2 बचपन से पता था, मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताए H2O2 के या पेरोक्साइड के, होपफुली आप उसको ध्यान में रखोगे। ये बताया कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करना ना हर पेरोक्साइड का काम है, पेरोक्साइड है तो वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है, तो वो फटाफट रिएक्ट करेगा, जिस किसी से भी बोलोगे फटाफट रिएक्ट करेगा, है ना। शशि थैंक यू, चलो या थैंक यू। अभी तो हेयर स्टाइल तुमने देखा नहीं है, एकदम अच्छे से मैं चमका के आऊंगा ना, तब देख। ओके, तो H2O2 के बाद और कौन कौन से पेरोक्साइड है सुन लीजिए और याद कर लीजिए। 4-5 पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? देखिएगा ये H2S2O8। हम इन सबका स्ट्रक्चर अभी सीखने वाले हैं, बट उससे पहले मैं पहले पहचान आपको पहचान करवा दे रहा हूं पेरोक्साइड की। आप देखेंगे कि क्यों पेरोक्साइड को पहचानना ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर सीखने में बहुत यूजफुल होता है, समझ रहे हैं। अनु सर नेक्स्ट सेशन विद आर्या, आप एक बार KR अभिषेक सर को बोलो ना, बिजी वो ज्यादा रहते हैं, मतलब मैं भी बिजी रहता हूँ, बट एक बार KR अभिषेक सर को बोलो के साथ में आते हैं, धमाल मचाते हैं क्यों नहीं यार, मैं तो रेडी हूँ हमेशा। ओके, सो H2S2O8 है ना, H2S2O8, इस H2S2O8 को देखो, इसका नाम फटाफट पहले तो याद करो, स्ट्रक्चर हम अभी सीखने वाले हैं, बट इससे पहले नाम आपको याद है, नहीं ओलियम नहीं, किसी ने ओलियम लिख दिया ना, H2S2O7 इज ओलियम, दिस इज ओलियम गाइस, दिस इज ओलियम, ये ओलियम है, 7 है लेकिन यहां 8 है, अभिषेक सर बीमार है क्या हो गया, आई यू गेम, तेरा डाउट नहीं पड़ा दोस्त,
और सर नेसेंट, अच्छा ऊपर लिखा हुआ क्या, नेसेंट क्लोरीन इज रीजन बिहाइंड डेप्लीशन ऑफ ओजोन। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए एक्चुअली कोई भी एटम जो बहुत ऑक्सीडाइजर है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो सब ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और क्लोरीन तो है ही है। और आपको पता है ना क्लोरोफ्लोरकार्बन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरकार्बन से क्लोरीन आइटम अगर नेसेंट फॉर्म में निकलेगा तो वो भी नुकसान पहुंचाता है ना। अच्छा सेशन कैंसिल हो गया है, सेशन कैंसिल हो गया है, तबीयत खराब है। सच्ची पता है तुम लोगों को, बड़ी अंदर की बातें बहुत पता होती है, कैसे पता कर लेते हो तुम लोग ये सब, हाँ जी कैसे पता कर लेते हो। अच्छा अभिषेक सर का हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है मेरा। अब मेरे सामने पढ़ रहे हो तो मेरी तारीफ कीजिए। अभिषेक सर के सामने तुम लोग बहुत तेज होते हो, बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हो तुम लोग, जिस टीचर के सामने होते हो उस टीचर की तारीफ करते हो। अच्छा तो मैं पूछ रहा हूँ किसका हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा, अभिषेक सर का या फिर मेरा? आंसर होना चाहिए मेरा, मेरी क्लास में बैठे हो बेचर हम सब। हाँ यस, थैंक यू भूमिका, पाई लागू, थैंक यू सो मच, है ना। हाँ नो सर, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ये लोग केआर सर के एसी है। हाँ मेरा, ए कौन बोल रहा है अभिषेक सर का? ये तो शशि अभिषेक सर का भक्त। अरे बेचर मेरी क्लास में, मेरी तारीफ करोगे? मैं रो दूंगा, बोल रहा हूँ। हाँ सची, थैंक यू, पाई लागू। ओहो इसका एक नाम भी होता है, एक फेमस नाम भी आयो कि हम पेरोक्साइडाइसल्फ्यूरिक एसिड, परफेक्ट। बट एक और नाम भी है, नाम बताइयो, जब गूगल सर्च तो नहीं मार रहे। हैप्पी बर्थडे। अच्छा मेरा, मेरा बर्थडे कैसे? उपेंद्र ट्रेड यूनियन लीडर। हाँ मेरा अनु, थैंक यू, पाई लागू। है क्या? नहीं, सो वाट। अच्छा 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 अच्छा, नहीं याद, कोई बात नहीं। चलिए पहले काम कीजिए, देखिए नाम वाम जानने के बजाय पहले काम कर लीजिए। देखिए H2S2O8 पेरोक्साइड, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो मैं ना 5 पेरोक्साइड लिख रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, आप मुझे फटाफट बता दीजिएगा, फॉर्मूला याद हो गया, फिर आपको नाम बताते हैं, नाम भी आप फटाफट याद कर लेंगे। देखिए H2S2O8 है, H2SO5 है, CrO5 है, देख रहे हैं? ये 3 ऊपर एक 4। या एक काम, CrO5 को लास्ट में रखते हैं। 2 सल्फर के पेरोक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 फॉस्फोरस के बहुत इंपॉर्टेंट है, H4P2O8, H3PO5। देखिए तो H2O2 को मिला करके 5 है, बट एक्चुअली H2O2 को छोड़ करके 5 याद रखने हैं। ये देखिए H2O2 तो बहुत कॉमन, ये 5 मैंने लिखे, मैं मिटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं, याद हो गया सबको, याद हो गया सबको। इन दोनों के बड़े स्पेशल नाम भी है, बहुत कॉमन नाम भी है, H2S28 का और H2SO5 का। देखिएगा H2S28 को मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, मार्शल्स, दिस इज मार्शल्स एसिड, बहुत फेमस नाम है। इन सब का इतना फेमस नाम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर फेमस होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जो भी सुबह में मैं बता रहा था। तो मार्शल्स एसिड को देखिएगा दोस्तों, मार्शल्स एसिड इज H2S28, और जो H2SO5 है ना, वो H2SO5 इज नोन एज कैरोज एसिड। कैरोज एसिड किस किस को याद हो गया गाइस? कैरोज एसिड, कैरोज एसिड किस किस को याद हो गया? मैंने डिलीट कर दिया, जरा देखा जाए कौन बच रहा है, किसको याद हो रहा है, याद हो गया? मार्शल्स एसिड, मार्शल्स, SHALL, मार्शल्स, नॉट मार्शल, TIAL नहीं, ठीक है? बट चलो याद रखें, मैं कुछ भी बोल लो आप, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए कोई बात नहीं, बस याद होना चाहिए। H2SO7 इज ओलियम, बट दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड, दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड, नॉट अ पेरोक्साइड। और मैं बता रहा हूँ, देखो पेरोक्साइड याद करना बहुत जरूरी है, अगर आप जा रहे हो ऑक्सीसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो यार पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी को याद है पेरोक्साइड के लिए इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या बताया, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है? पेरोक्साइड्स ऑक्सीडाइजर होते हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बीच का बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, दिस इज द पेरोक्साइड बॉन्ड, है ना, जैसे H2O2 है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड, है ना, हर तरफ से सिंगली बॉन्डेड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर तरफ से सिंगली बॉन्डेड है। तो जो H2O2 है या कोई भी पेरोक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड होता ही होता है, और वो वीक होता है। और अभी जितने मैंने कायरोज और मार्शल्स वगैरह लिखे हैं ना, सबके स्ट्रक्चर बनाने सीखने, बट पहले से आपको अगर पता होता है कि पेरोक्साइड है, ओहो हो, बड़े आराम से बना लेते हो। चलो
सो अब आ रहे हैं आपसे, आपको याद हो चुका है रुकसाइड पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में बट लैक ऑफ रिविजन, कोई बात नहीं, गुड बाय, कोई बात नहीं। आ जाओ देखो, अब ऑक्सो एसिड्स, मैं होपफुल हूँ कि आपको ना मैंने जो पेरोक्साइड्स बताए, हालांकि मैंने डिलीट कर दिया वो जल्दी, तो शायद आप गड़बड़ कर दोगे, बट मैं उम्मीद रख रहा हूँ आपको याद होगा। सो ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। देखो फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड हो या सल्फर के हो, बनाने का एक ना हमने प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया हुआ है इनकी स्ट्रक्चर को फटाफट तेजी से बनाने का। कोई ऐसा बंदा जो नूब है, न्यूबी है, उसको नहीं आता, जीरो से कुछ नहीं आता, उसके लिए भी ये फंडा जो है बहुत, इनफैक्ट के जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत यूजफुल है, जिनको आता है उनके लिए भी है, क्योंकि तरीका शॉर्टकट तो हमेशा ही काम की चीज होती है, शॉर्टकट से हमेशा ही टाइम बचता है और एक्यूरेसी भी होती है इस प्रोसेस में। सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो देखिए पेरोक्साइड्स, पहले फॉस्फोरस की याद कर लीजिए, फॉस्फोरस के दो पेरोक्साइड आपको बताएं, क्या आपको याद हुआ है? अगर नहीं याद हुआ तो एक बार आपके सामने लिख दिया जाए, याद हुआ ना H4PO7 एंड H3PO4, यही लिखा था ना फॉर्मूला, 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 यही, देखिए यस सर बोल दिया, गड़बड़ हो गई, दिल टूट गया मेरा, फंसा दिया मैंने, गलत दिखा मैंने, यस सर नहीं बोलना है इतना, इसे पता चल गया कि भूल गया हो, भूलना नहीं है, ठीक है, फंसना नहीं है, मैं ऐसे चेहरे से बहुत भोला लगता हूँ लेकिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसानी से फंसा जाता हूँ सबको। सो H4P28 एंड H3PO5 ये फॉस्फोरस के पेरोक्साइड्स है, भूलना नहीं इनको, ठीक है, ये पहले से दिमाग में होना चाहिए अगर आप ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो। अब आई प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है, अगर मैं किसी भी तरह का प्रायोरिटी ऑर्डर किसी भी तरह का फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बनाने जा रहा हूं, देखिए इतने सारे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड है गाइस, जो दो पेरोक्साइड है उनको हटा लीजिए साइड कीजिए, उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सब देख रहे हैं सारे के सारे फॉस्फोरस के क्या ऑक्सो एसिड्स है, इसके अलावा और भी है H4P2O6 H4P2O7 देख रहे ना, तो सबके स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कि ट्रिक का काम करेगी, बहुत इजीली आप उनको बना सकते हैं अगर इस प्रायोरिटी ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे तो, पेरोक्साइड्स वाले भी बन जाएंगे, बट मैंने पहले आपको पेरोक्साइड इसलिए याद करा दिया क्योंकि अगर नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ना पेरोक्साइड, फंस सकते हो, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर में फंसाने का काम बहुत आराम से पेरोक्साइड्स कर जाते हैं, ठीक है। सर मैंने बोल दिया सर से ऑसम, बहुत अच्छा है, तब तो उम्मीद रखो, करते हैं अपन, चलो तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है गाइस देख लो आप, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, सर मैंने आपका H2O2 पार्सल किया, एक बार पीकर ट्राई करना जस्ट चलो ठीक है। देखो तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है गाइस, अगर कोई भी आपको बनाना है ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर फॉस्फोरस का बनाना है, फॉस्फोरस के साथ फटाफट सबसे पहले ना डबल बॉन्ड ओ बना दो, क्योंकि ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में ये तो आना ही आना है, तो डबल बॉन्ड ओ बनाना इज ऑन आवर प्रायोरिटी, रिपीट करो मेरे साथ साथ, क्या होता है डबल बॉन्ड ओ इज ऑन प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड विथ ओ इज ऑन प्रायोरिटी गाइस, ये प्रायोरिटी पर होगा, आई बात समझ, ये प्रायोरिटी पर होगा, इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड किस बात का ध्यान रखेंगे, सेकंड ध्यान रखेंगे कि कहीं वो पेरोक्साइड तो नहीं है, पेरोक्साइड है क्या, पेरोक्साइड है क्या, ये चेक करेंगे, चेक करो पेरोक्साइड है कि नहीं है, तो सपोज दैट मैंने बोला भाई इसका स्ट्रक्चर बनाना है H3PO4 का, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, बोला कि पी डबल बॉन्ड बनाएंगे, बना दिया पी डबल बॉन्ड हो गई, हो गया इसके स्ट्रक्चर में, ये तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा है। अब इसके बाद बताओ क्या ये पेरोक्साइड है, क्या ये पेरोक्साइड है, क्या ये पेरोक्साइड है, बताओ मुझे क्या ये पेरोक्साइड है, क्या वो पेरोक्साइड है, क्या वो पेरोक्साइड है, शंकर जाडी सर व्हाट शुड आई डू टू लर्न इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में चाहिए, चलो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, आई एम कंप्लीटली मेड ऑफ इंग्लिश, H3PO4 सो इज दैट अ पेरोक्साइड, देवेंद्र सेज नो इट इज नॉट अ पेरोक्साइड बिकॉज यार पेरोक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर H3PO5 एंड H4PO8 इट डजंट मैचेस विद दिस फॉर्मूला, देखो ये इस कहां है, ये दोनों पेरोक्साइड्स है बट ये तो पेरोक्साइड नहीं हुआ, सो इट इज नॉट अ पेरोक्साइड, सो इट इज नॉट अ पेरोक्साइड, ठीक है। चलो अब पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, हमें H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना, वी हैव टू एक्चुअली मेक द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4, वी विल स्टार्ट विद पी डबल बॉन्ड ओ,
सेकंड वी हैव टू चेक कि पेरोक्साइड है क्या, आंसर है ना पेरोक्साइड नहीं है। बिंदास, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मैं पेरोक्साइड बॉन्ड दिखाना नहीं है मुझको, अगर पेरोक्साइड होता तो मुझे पेरोक्साइड बॉन्ड बनाना पड़ता और वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले पी डबल बॉन्ड ओ बना लो और फिर चेक करो पेरोक्साइड, अगर है तो पेरोक्साइड बॉन्ड लगाओ, नहीं है अगर होता तो लगाते, नहीं है तो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? मैक्सिमम OH, मैक्सिमम OH लगाओ, मैक्सिमम OH लगाओ, जितने OH बन सकते हैं बनाओ और सेंट्रल एटम के साथ अटैच कर दो, मैक्सिमम OH लगाओ फॉस्फोरस के साथ, आई बात समझ, मैक्सिमम OH लगाओ। तीनों पॉइंट याद हो गए, मैं डिलीट करूंगा, एग्जाम्पल बनाएंगे, लगातार एग्जाम्पल बनाएंगे, आपके सामने बना बना के दिखाएंगे। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, पॉइंट डन है ना? श्रिया थैंक यू, और बताओ, आर यू गेम, ओके देवेंद्र, ओके सही है ना, मैं पॉइंट्स हटा रहा हूँ, पॉइंट्स आपको याद हो गए, पॉइंट्स आपको याद हो गए, क्या था फर्स्ट पॉइंट, पहले पी डबल बॉन्ड बनाना दोस्तों, उसके बाद क्या बनाओगे, उसके बाद चेक करोगे कहीं वो पेरोक्साइड तो नहीं है, अरे यार दो पेरोक्साइड मुझको याद है, आपको पहले ही इसीलिए तो याद करवाया क्योंकि आपको टेंशन ही ना हो बनाने में। अब देखो H3PO4 कैसे बनाएंगे, एकदम स्मूथली बनेगा, सारे स्ट्रक्चर बनेंगे दोस्तों। पी डबल बॉन्ड बनाया, दिस इज नॉट अ पेरोक्साइड, जब पेरोक्साइड नहीं है तो मैं जाऊंगा थर्ड पॉइंट पे। अब बताओ आप थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट का कहना है मैक्सिमम OH लगा दे भाई, जितने लग सकते हैं लगा, लगा कितने OH बन सकते हैं देखना, एक ऑक्सीजन निकल गया, कितने ऑक्सीजन बचे, तीन ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन बचे, तीन हाइड्रोजन, तीन O और तीन H से कितने OH लग सकते हैं, तीन, लीजिए डन। फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बनाता है, मैंने तीन OH लगाया, हो गया H3PO4 डन, खत्म हो गया, आई बात समझ, बन गया, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है क्योंकि पहले ही पता था, है ना, इजी बीजी एकदम बिल्कुल। अब चलो आगे, इसी तरह से H3PO3 बनाते हैं, H3PO3 बनाना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, पी डबल बॉन्ड हो, पी डबल बॉन्ड हो, डन है, हो गया। अब कितने कितने ऑक्सीजन बचे गाइस, दो ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन बचा, तीन, मैक्सिमम कितने OH लग सकते हैं, मैक्सिमम कितने OH लग सकते हैं, मैक्सिमम कितने OH लग सकते हैं, मैक्सिमम कितने OH बन सकते हैं, दो बन सकते हैं, तो दो OH लगाएंगे और एक हाइड्रोजन बच जाएगा, उसे बाद में लगा देंगे, दो OH लगा दिया मैंने, दो OH लगा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच गया, उसको एक्स्ट्रा लगाएंगे, हो गया डन, हो गया स्ट्रक्चर। आप याद रखना जितने OH होंगे ना, जितने OH होंगे यहां से उतने ही हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं H+ के फॉर्म में, सो 3H+ कैन बी रिलीज्ड, और जितने H+ बाहर आते हैं ना उसको हम एक टर्म से भी जानते हैं, बेसिसिटी से। यहां बेसिसिटी देखो, ये इनऑर्गेनिक का ये काइंड ऑफ क्या, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिसिटी मींस कितने H+ रिलीज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक में जाएंगे तो वहां बेसिसिटी का मीनिंग होता है कि कितना लोन पेयर वो दे सकता है, समझ रहे हो, इनऑर्गेनिक का सेक्शन है, अगर इनके बारे में अगर बेसिसिटी टर्म बोलते हैं ना, दैट मींस कि कितने H+ वो रिलीज कर सकता है, दैट मींस वो कितने NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक H+ एक NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तीन H+ तीन NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, समझ लो। सो तीन H+ इसकी बेसिसिटी बताओ, H3PO3 की इसकी बेसिसिटी कितनी है, दो, क्योंकि इसके पास दो OH है, समझ लो, तो ये दो H+ दे सकता है, ये इसकी बेसिसिटी है। इस तरह से तुमने ना स्ट्रक्चर बना लिया और बेसिसिटी फटाफट बता दी, आई बात समझ, है ना। चलो आई एम डिलीटिंग इट एंड आई थिंक दैट कि यार अब आप कोई भी स्ट्रक्चर आप फटाफट बता दोगे, कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मैं आपको बताइए। H3PO4 ओके ना, कोई दिक्कत नहीं ना H3PO4 में, H3PO4 बना दिया हमने, H3PO3 बना दिया हमने, ठीक है। चलो H3PO2 देखते हैं, क्या H3PO2 एक पेरोक्साइड है, वी विल स्टार्ट विद पी डबल बॉन्ड एंड हम अब चेक करेंगे कि क्या ये पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड नहीं है क्योंकि दो पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है, दो पेरोक्साइड होते हैं तो चिंता नहीं हमें, दो पेरोक्साइड होते हैं। अच्छा अब यहां पर कितने ऑक्सीजन बचे हुए, एक ऑक्सीजन और क्या बचा हुआ है, दो हाइड्रोजन, सॉरी तीन हाइड्रोजन, कितने OH बन सकते हैं, अनिर्बन सर आई क्यू से कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, हाँ 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 बिल्कुल, हमने बताया भी आपको, एक OH, मैं आता हूं अनिर्बन बताता हूं आपको, पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक OH बन सकता है बिल्कुल, तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, दो हाइड्रोजन बच जाएंगे, उनको डायरेक्टली अटैच कर दीजिए, डन है। क्या बेसिसिटी है इसकी गाइस, बेसिसिटी क्या है इसकी,
बेसिसिटी क्या है इसकी? बेसिसिटी क्या है इसकी? वन, बिल्कुल सही, बन गया ये, बन गया ना, बन गया, बहुत अच्छा। तो ऑक्साइड आपने H3PO4, H3PO3 और H3PO2 देख लिया। थोड़ा अब आते हैं जहां पर दो फॉस्फोरस है, या एक काम करते हैं पहले ना अपने पेरोक्साइड वाले को भी तो देख ले, H3PO5। अब ये पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड है और एक फॉस्फोरस है, पेरोक्साइड है तो पेरोक्सी और एक फॉस्फोरस है तो मोनोफॉस्फोरस, ये कहलाता है पेरोक्सी मोनोफॉस्फोरिक एसिड या पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और इसमें अगर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो पेरोक्साइड बॉन्ड बन जाता है, तो फॉस्फोरिक एसिड, पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड या पर फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज क्या पेरोक्साइड लिंकेज है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, ओके। सो अब H3PO5 बनाना है गाइस, H3PO5 बनाना है, प्रायोरिटी ऑर्डर से चलिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, पी डबल बॉन्ड हो, डन, पी डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि पेरोक्साइड है कि नहीं है, तो क्या ये पेरोक्साइड है, क्या ये पेरोक्साइड है, हाँ जी पेरोक्साइड, उतनी देर से तो याद कर रहे हैं, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ओ, पहले पी डबल बॉन्ड ओ था और फिर पेरोक्साइड बनाना था, फिर पेरोक्साइड बनाना था, तो गलती से OH पे जंप मत कीजिए, गलती से OH पे जंप नहीं करना है, पहले प्रायोरिटी के हिसाब से चलिए। देखिए अभी तक जो आप बना रहे थे, H3PO4 बनाया, H3PO3 बनाया, H3PO2 बनाया, उसमें आप चिल थे क्योंकि उसमें पेरोक्साइड नहीं आ रहा था, अब पेरोक्साइड आ गया, तो मैंने प्रायोरिटी आपको बताया गलती से भी, सेकंड प्रायोरिटी पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने के, पहले पेरोक्साइड बॉन्ड बना लो उसके बाद OH बनाना दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी स्ट्रक्चर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी स्ट्रक्चर में, इज्जत चली जाएगी फिर, समझो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो पहले हम पेरोक्साइड बनाएंगे, बिकॉज इट इज अ पेरोक्साइड, हम पेरोक्साइड बॉन्ड दिखाएंगे और पेरोक्साइड बॉन्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपनी बैलेंस पूरी करने के लिए साथ में एक हाइड्रोजन भी ले जाएगा, वो तो होगा ही होगा, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रायोरिटी का काम, आई बात समझ। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कितने OH बन सकते हैं, तीन ऑक्सीजन डन है, दो ऑक्सीजन बचा है, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, दो हाइड्रोजन। अब बताओ कितने OH में बना सकता हूं, दो OH, लो ना, लगा दिया मैंने, लगा दिया मैंने। अब आप चेक करो, बताओ बेसिसिटी, पेरोक्साइड बॉन्ड OH सब डन है, बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी में बस आपको OH देखने होते हैं, बेसिसिटी में आपको OH देखने होते हैं, 100 लाइक्स, ओहू लव यू सो मच गाइस, बताओ। हाँ बेसिसिटी 2 नहीं करना भूमिका, बेसिसिटी इज 3, क्योंकि देखो पेरोक्साइड के साथ OH वाला वो भी टूटेगा, गड़बड़ नहीं करना, पेरोक्साइड के साथ जो OH वो भी टूटेगा, पेरोक्साइड के साथ जो OH वो भी टूटेगा गाइस, तो बेसिसिटी 3 है, बेसिसिटी 3 है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसे देखो, H3PO5 डन है, हम आ रहे हैं दो फॉस्फोरस वाले सेक्शन पे, H4P2O6, यहां पर ना सारा काम वैसे ही करना, बट सिमेट्री का ध्यान रखना, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है, सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जितना बना सकते हो उतना बनाओ, दो फॉस्फोरस वाला आ गया, ऑल कॉन्सेप्ट आर सेम, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट सिमेट्री हियर, यहां पर सिमेट्री के बारे में बस सोचना, ढंग से बात बन जाएगी, आई बात समझ, है ना। इधर तो डन है साहब, तो भाई मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, पेज को ब्लैंक कर दूं और आपको दो फॉस्फोरस एटम वाले सेक्शन पर लेके चलूं, सारा प्रोसीजर सेम है दोस्तों, बट सिमेट्रिकली दो फॉस्फोरस के लिए अब काम करना होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पे कौन था, डबल बॉन्ड, यहां लगाएंगे तो यहां भी लगाना होगा, क्या ये एक पेरोक्साइड है, क्या वो एक पेरोक्साइड है, क्या वो एक पेरोक्साइड है, सिमेट्रिकल काम करने, क्या वो एक पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है नहीं है ना, पेरोक्साइड नहीं है, क्योंकि भाई पेरोक्साइड कौन कौन से होते हैं, H3PO5 होता है और कौन होता है, H4P2O8 होता है, H4P2O8 होता है, अच्छा इन दोनों में से कौन है, कैरोज एसिड, कैरोज एसिड कौन सा इनमें से, 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 कोई कैरोज एसिड नहीं है, वो सल्फर का होता है ऐसे नहीं करना, मतलब बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे हरकतें करते रहता हूँ, मैं तो तंग करते रहता हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं है कैरोज एसिड, कैरोज एसिड H2SO5 है गाइस, एंड और H2S2O8 वो मार्शल एसिड है, ये हाँ मेरे साथ हो, ऐसे
दिल पे नहीं लेना ये चलते रहेगा मैं करते रहता हूँ सब हरकत है ना, थोड़ा तंग करते रहता हूँ आपको, बट ये आदत नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा आएगा क्लास का। ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें तो यही सब तो कर करके हम जीते हैं मैं जीता किसकी वजह से हूँ, आप ही लोगों की वजह से तो जीता हूँ। चलो तो बताओ जल्दी से फटाफट। अच्छा किसी ने देखो वो जो कैंडिड टॉक है उसमें ना कैसी कैसी बातें लोगों ने पूछी हुई है, अजीब अजीब बात पूछी हुई है, सर कभी दिल टूटा है, कभी फ्रेंड जोन हुए, क्या क्या पूछते हुए तुम लोग बेचराम सब टीचर कैंडिड टॉक बोलो तुम कुछ भी पूछ दोगे। किसी ने सैलरी भी पूछी हुई, अबे सैलरी पैसे तो बहुत देते हैं वेदांतु वाले, बताने से भी मना करते हैं, बोलते हैं पैसे कट जाएंगे बताओगे तो ऐसी ऐसी चीजें पूछते हो जिससे नौकरी के लाले पड़ जाए फिर। और चार ओएच बॉन्ड, अच्छा पेरोक्साइड नहीं है ये तो ठीक बात, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो वी विल गो ऑन टू फाइंडिंग ओएच। अब कितने ओएच बन सकते हैं यहां से साफ पता चला, दो ऑक्सीजन निकल गए तो चार ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन, हाँ भाई सही है चार ओएच बनेंगे, लेकिन सिमेट्रिकली डालने तो दो ओएच यहां डालेंगे, दो यहां डालेंगे और दो इधर डाल देंगे। देखिए देखा दो यहां डाल दिया हमने, अब बट अभी भी पता है कि स्ट्रक्चर में पांचवा बॉन्ड फॉस्फोरस पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है तो पांच बॉन्ड बनाएगा, तो लीजिए नट्टियों हो गया, सिमेट्री भी है और बिंदास बन भी गया स्ट्रक्चर है ना। कमलेश कौन सी क्लास है ये क्लास, मेरी क्लास ये अरे ये इलेवेंथ वाला सेक्शन हो रहा है, मैं दसवीं करोड़ बार बता रहा हूं कि ये आईयू क्यूजीएस आईक्यूसी दोनों के लिए चलता है, सही है ना, बताओ डन है कोई दिक्कत नहीं आई, बताओ सही है ना, बताओ गाइस कैसा है ये डन है ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना, यार नहीं दिक्कत आई तो इसको तोड़ो ना, इसको तोड़ फोड़ मचाओ तो इसको 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 तोड़ो तो जरा इसको तोड़ो H4P2O7 को, सिमेट्री का ध्यान रखना गाइस, सिमेट्री का ध्यान रखना। कमलेश अरे आ जाओ यार, सेवन में हो या सिक्स में क्या दिक्कत है, खुद जाओ पढ़ने को समझ लो ये ज्ञान की गंगा है और सबको डुबकी लगाना है। बढ़िया बढ़िया H4P2O6 हो चुका गाइस, H4P2O7 चाहिए, H4P2O7 चाहिए, H4P2O7 चाहिए। कैसे करेंगे कैसे करेंगे, सिमेट्री सिमेट्री, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, प्रायोरिटी है, क्या ये पेरोक्साइड है, क्या ये पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड ये पेरोक्साइड है ना, ये पेरोक्साइड है ना, ये पेरोक्साइड है, सच्ची पेरोक्साइड है, पंखा कहां गया, लटक जाओ मैं पंखे से, हाँ नहीं है भाई, H4P2O8 H4P2O8 होता है ना, दो फास्फोरस वाले में H4P2O8 होता है, एक फास्फोरस वाले में H3PO5 होता है, तो भाई अब पेरोक्साइड तो है नहीं तो चिल, कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना, जस्ट लाइक यहां कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं बनाना। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, दो ऑक्सीजन निकल गए, पांच ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन, कितने ओएच बन सकते हैं गाइस, मैक्सिमम चार ओएच बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने ओएच बन सकते हैं, चार ओएच बन सकते हैं, तो चार ओएच बनाने के लिए देखिए ना ये काम कीजिए ना, ये काम कीजिए ना, चार ओएच लगाइए ठीक है, बट कितने ऑक्सीजन बच गए, एक ऑक्सीजन, तो उसको सिमेट्रिकली बीच में रख दीजिए, सिमेट्री का तो ध्यान रखना है, आपको क्या बताया, सिमेट्री का तो ध्यान रखना है। अरे कोई बात नहीं गुड बॉय, क्यों टेंशन ले रहा भाई, चल चलो फटाफट गाइस एकदम स्पीड रिवीजन, स्पीड रिवीजन, स्पीड रिवीजन, क्या H4P2O6 वाज देयर है ना सिमेट्रिकली, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, देखो फटाफट मुझे बताओ कितने लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, IUQGS वाले कितने लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, पेरोक्साइड नहीं है तो मैंने फटाफट फटाफट पेरोक्साइड नहीं था, मैंने फटाफट डबल बॉन्ड ओ लगाया, उसके बाद मैंने चेक कर लिया, दो ऑक्सीजन निकल गए तो चार ऑक्सीजन बचा, चार हाइड्रोजन बचा, फट से मैं समझ गया चार OH, बट मुझे पता है दो फॉस्फोरस वाले में क्या करते हैं, सिमेट्री का ध्यान रखते हैं, सिमेट्रिकली तोड़ दिया, बट फॉस्फोरस का पांचवा बॉन्ड कहां गया, अरे तो जोड़ो ना, हो गया, इतना IQ तो हम लगा ही सकते हैं, फिर H4P2O7 लगाइस, बताओ मुझे, ओहो मुझे थोड़ा यार एनर्जी तो दो, क्लास एंड की तरफ जा रही है, मुझे बताओ जल्दी, फिनिश हमारा बहुत जबरदस्त होना चाहिए एकदम बिंदास है, H4P2O7 भी बनाना, कैसे बनेगा भाई, ये पेरोक्साइड नहीं है, मैं एकदम चिंता नहीं ले रहा, मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, पेरोक्साइड नहीं है तो बिंदास बना, P डबल बॉन्डो ठीक है, डबल बॉन्डो H4P2O7 बनाना है, कितने ऑक्सीजन बच गए, पांच, पांच ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन, कितने ओएच मैक्सिमम बन सकते हैं, चार ओएच मैक्सिमम बन सकते हैं, एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने सिमेट्रिकली क्या किया, दो ओएच और दो ओएच लगा दिया, लगाया एक ऑक्सीजन बचा रह गया गाइस, तो 20 मिनट सुनो से लगा दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे अरे बहुत सही बात, बेसिसिटी विल बी 4, बेसिसिटी अपन लिखना भूल गया था, बेसिसिटी इज 4,
सही है, डन। चेतन थैंक यू। आल बताओ मुझे ये देखो, अब H4P2O8 बनाना है गाइस। अब ये तो पेरोक्साइड है, इतनी देर से हम इसको है ना 100 करोड़ बार रिवाइज कर चुके हैं। पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है तो केयर करना पड़ेगा। हाँ पहले पी डबल बॉन्ड हो प्रायोरिटी के हिसाब से बना दो, बट यार पेरोक्साइड का ध्यान रखना है ठीक है। हाँ लेकिन सिमेट्री का भी तो ध्यान रखना है, पेरोक्साइड का भी ध्यान रखना है, सिमेट्री का भी ध्यान रखना है, सिमेट्री और पेरोक्साइड दोनों का ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है, पेरोक्साइड भी बनाना है। अब मैं अगर एक जगह पेरोक्साइड बना दूंगा तो पेरोक्साइड एक के साथ चला गया, दूसरे के साथ नहीं गया, सिमेट्री खराब हो जाएगी। इसीलिए पेरोक्साइड को गाइस कहां होना चाहिए, देखिए तो बीच में होना चाहिए ना, बोलिए। सिमेट्री का ध्यान रखते हुए हमने पेरोक्साइड को बीच में डाला, किसी एक के साथ रखेंगे तो खराब हो जाएगा, किसी एक के साथ रखेंगे सिमेट्री खराब हो जाएगी, है ना। अब बताइए तो कितने ऑक्सीजन निकल गए, 4 ऑक्सीजन निकल गए, कितने ऑक्सीजन बचे, 4। हाइड्रोजन कितना बचा, 4। तो कितने OH आएंगे, कितने OH बचेंगे, 4 OH। लीजिए ना 4 OH को बिंदास लगाइए सिमेट्रिकली, देख लीजिए बिंदास है, सही है ना। ये 4 बेसिसिटी इज 4, है ना बिंदास, डन, ऐसे तो है परफेक्ट, एकदम बिंदास, एकदम सही बना, है ना। देखिए अब सल्फर वाले ऑक्सीसिड दिखा रहे हैं आपको, या उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ दे यहीं पर कि इसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पॉप लिंकेज, पीओपी लिंकेज, कौन से ऑक्सी एसिड में पीओपी लिंकेज है, बताइएगा जरा कौन से ऑक्सी एसिड में पीओपी लिंकेज है, कौन से ऑक्सी एसिड में पीओपी लिंकेज है, कौन से ऑक्सी एसिड में पीओपी लिंकेज है, कौन सा ऑक्सीसाइड ऑफ पीओपी लिंकेज है, कौन सा ऑक्सीसाइड ऑफ पीओपी लिंकेज है। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एक फास्फोरस है, तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। अब देखते हैं, ये तो पेरोक्साइड है, अभी देखा था इसका स्ट्रक्चर पेरोक्साइड है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन बचेगा इस, आप बताओ दो ऑप्शन में कौन सा है, H4P2O6। भूल गए, अरे यार भूल कैसे जाएंगे, इतनी बार तो बनाए कैसे भूल जाएंगे। आप सिमेट्रिकली स्टार्ट कर दो, 2 ऑक्सीजन निकल गए, 4 ऑक्सीजन बचे, सिमेट्रिकली चारों OH को सेट कर दो, बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा, तो दिख रहा है H4P2O6 इज नॉट द आंसर। कौन आंसर आएगा, H4P2O7 आएगा, है ना सही, यस। अब मुझे बताओ, मुझे अब फीडबैक चाहिए, आइए बात समझ में, ऑक्सो एसिड आया नहीं आया, चलो मुझे फटाफट एनर्जी दो, मुझे इक्वेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। वैसे श्रिया इक्वेलेंट वेट ऐसे नहीं निकालते दोस्त, श्रिया इक्वेलेंट वेट निकालने के बहुत फंडे होते हैं, क्लास आने वाली रेडॉक्स की आपकी, कल रेडॉक्स की क्लास है श्रिया IAQJS की, कल रात में जरूर लगाइएगा। आप याद रखिए इक्वेलेंट वेट ऐसे डिफाइन नहीं होता, सिंपली ऐसे डिफाइन नहीं होता, जैसे मैंने भी रफली बोल दिया ना 36.5, तो रफली बोल दीजिए, बट केसेस होते हैं अलग अलग, अगर रिएक्शन दिया होगा तो रिएक्शन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ भी इक्वेलेंट वेट आ सकता है। अगर आप बिना रिएक्शन के पूछ रहे हो सिंपली सर HCl का इक्वेलेंट वेट बताओ, तो भले ही 36.5 बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली कुछ भी आ सकता है। चलो अभी मुझे बताओ यार, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका जल्दी से चाहिए आपकी तरफ से कि यार ये ठीक है, फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड डन हुआ, ऑक्सो एसिड डन हुआ फॉस्फोरस का, मुझे ये सुनना है आपसे। अनिर्बन IAQC से रिलेटेड ना मेरा फर्स्ट लेक्चर पढ़ो, जिसमें मैंने 3 मंथ्स मैंने जो स्ट्रेटजी बताई हुई है, सही है ना, मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है ना, बोले वीडियो देख लेना ठीक है। आ जाओ ये देखो सल्फर का देख लो, और यहीं पर बंद करेंगे अच्छा, क्योंकि टाइम हो चुका है। सो सल्फर का बता रहे, फॉस्फोरस वाला डन हो गया, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर,
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में एकदम सेम वही तरीका रहेगा, बट फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड ओ बनाता है, सल्फर दो डबल बॉन्ड ओ बनाता है। सल्फर के लिए ना दो डबल बॉन्ड ओ बनाते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सेम है दोस्तों। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है? प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले डबल बॉन्ड ओ बनाते हैं, बट फॉस्फोरस और सल्फर में डिफरेंस है। सल्फर में ज्यादातर, सल्फर में एक दो ऐसे हैं जिनका जो एग्जिस्टेंस है, जिनका जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो थोड़ा यूनिक है, मतलब वो अपने आप में ना बिहेवियर अलग रखते हैं, उनका डिस्कशन भी करना पड़ेगा। अच्छा, जिनको आप अक्सर एक्सेप्शन बोल देते हैं, हम एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं, उससे केमिस्ट्री की खूबसूरती कम हो जाती है। कोटा फैक्ट्री वालों ने तो केमिस्ट्री की ऐसी की तैसी कर दी, खूब गालियाँ दी हैं, इनऑर्गेनिक सेक्शन को खूब एक्सेप्शन पे बवाल किया है ना। लेकिन आप पूछिए किसी भी टॉप रैंकर से, जी एडवांस के या किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट से या किसी भी सही बंदों से, वो बोलेंगे कि यार ऐसा कुछ नहीं है। साइंस साइंस एंड केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है। इसमें हर 10 साल पर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं। IUPAC पता है, IUPAC से एक बार पूछ करके देखिए केमिस्ट्री के बारे में। IUPAC को हर 10 साल पर नॉमेनक्लेचर के मेथड्स को चेंज करने होते हैं, क्योंकि हर 10 साल में नए कंपाउंड्स मिल जाते हैं और उनके नॉमेनक्लेचर फिर से करने पड़ते हैं। आपको पता है 18 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और 2 मिलियन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अभी तक, और वो टाइम के साथ और बढ़ रहे हैं। जब पीरियोडिक टेबल में भी नए नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो आप सोच करके देखिए, पीरियोडिक टेबल में नए नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। केमिस्ट्री में चीज़ें नई नई मिल रही है ना, नए नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कंपाउंड्स मिल रहे हैं, कंपाउंड्स और भी ज़्यादा मिल रहे हैं नए नए, हमें नहीं पता होते हैं, और नए मिल जाते हैं कुछ दिन बाद। कोई मीटियोराइट आकर के गिरता है, उससे नए कंपाउंड्स दिख जाते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है दोस्तों, इसमें चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिजिक्स के रूल 200 साल पहले जो थे आज भी हैं, मैथ्स के भी हैं। बायो और केमिस्ट्री में चीज़ें ना नई नई आती रहती हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, बट कुछ अलग अगर दिखाई देना उसको एक्सेप्शन मत बोलो। आप खुद सोच करके देखो, क्लासरूम में बैठे हुए कुछ स्टूडेंट एक जैसे हैं, कोई स्टूडेंट बाकियों से अलग है, मान लो वो बातें नहीं करता है, डिस्कशन नहीं करता है, थोड़ा जिसको आप इंट्रोवर्ट वगैरह बोलते हो, चुपचाप रहता है, यार तो वो एक्सेप्शन थोड़ी ना हो गया स्टूडेंट्स में, उसका नेचर अलग है दोस्त, स्पेशल वो भी है अपने आप में, है ना। तो ऐसा ना कुछ ये मत बोलो, मतलब एक्सेप्शन करके ना केमिस्ट्री की खूबसूरती कम हो जाती है, फिर लोग ना पढ़ते कम है और बाद में अफसोस करते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ ली होती तो स्कोर ऊपर चला जाता। तो अच्छा, एक ग्लास की बात बताऊं मैं, वैसे मैं बंसल क्लासेस कोटा में आया था ना, तो मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की थी, तो पहले मैं फिजिक्स ही पढ़ाता था फिर लोगों ने बोला कि केमिस्ट्री में खूब पैसे, तो जो है मैं फिर केमिस्ट्री में आ गया वरना बंसल क्लासेस कोटा में ना 2011-12 में मैंने स्टार्ट ही की थी फिजिक्स से। कैसा लगा ये राज, हाँ बताओ, टेल मी, फटाफट बताओ। मैं यहाँ पर एंड करूँगा सल्फर के ऑक्सीसिड पे, क्योंकि 12 बज गया तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, वैसे तो 5-10 मिनट और खींच सकते हैं अपन। सो कैसा था फैक्ट ये तो बताओ यार, अरे सुना नहीं आप लोगों ने ना, फटाफट बताओ भाई, नहीं सुना लोगों ने, नहीं सुना फिर हाँ मुझे और क्लासेस हुए बस 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 मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, अमेजिंग था, थैंक यू भाग, मैं भूमिका, थैंक यू साची, वाह थैंक यू। ऑक्सीसिड ऑफ सल्फर, मैं क्या बता रहा था, फॉस्फोरस से क्या डिफरेंट है, फॉस्फोरस से डिफरेंट ये है, देखो फॉस्फोरस में एक डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, यहाँ पर ना दो डबल बॉन्ड बनाना है, और सल्फर के केस में दो स्पेशीज बड़े यूनिक है और बड़े स्पेशल है, उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यूनिक और स्पेशल जो होते हैं ना उनके बारे में चीज़ें बहुत पूछी जाती है, पता है कि नहीं, तो चूंकि वो NCERT में भी डिस्कस किए हुए हैं तो बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो देखिएगा, पहले मैं बताऊँ आपको, प्रायोरिटी ऑर्डर वैसे ही चलेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर वैसे ही चलेगा दोस्तों। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे चलेगा बताओ, वही डबल बॉन्ड ओ बना लीजिए पहले सेंट्रल एटम से, बस फर्क है फॉस्फोरस में एक डबल बॉन्ड ओ बनाते थे, यहां पर क्या करेंगे, दो डबल बॉन्ड ओ बनाएंगे, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेकंड, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, उसके बाद डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के बाद क्या करेंगे, पेरोक्साइड का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल है ना। आप फटाफट बताओ सल्फर के पेरोक्साइड कौन कौन से, गाइस आपको याद करवा दिया मैंने, कैरोज एसिड, दिस इज छोटू वाला कैरोज, छोटू छोटू फार्मूला, छोटू नाम कैरोज एसिड, और बड़ा फार्मूला देखिएगा H2S2O8, बड़ा फार्मूला बड़ा नाम मार्शल्स एसिड, इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं, बाकियों के नाम हम कितने इंपॉर्टेंस नहीं, इन दोनों के नाम बहुत फेमस है,
बहुत यूजफुल है, बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इनके बहुत है, बहुत पूछे जाते हैं। थैंक यू अनु, हार्ट स्पॉट देते रहो यार, तो एनर्जी बढ़ती रहती है। तो पेरोक्साइड यहाँ पर सेकंड नंबर पे, ठीक वैसे ही जैसे फास्फोरस में था, है ना। थर्ड पे क्या आ जाएगा भाई, आप मैक्सिमम ओएच लगा दीजिए, मैक्सिमम ओएच लगा दीजिए, है ना, ठीक वैसे प्रायोरिटी ऑर्डर। तो चलिए आपको बस एक बार मैंने वापस दिखा दिया, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर। अब बनाते हैं वापस, देखिए SO2 आपको ना मान लीजिए बनाना है H2SO4, मैं क्या करूंगा H2SO4 जान रहे सारे लोग, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना अगर है दोस्तों कैसे बनाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर पे चलिए। सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, क्या ये एक पेरोक्साइड है, क्या ये एक पेरोक्साइड है? फिजिक्स के सारे आंसर्स क्यों नहीं देते? अरे तो कैसे दूंगा, अब तो छूट गई ना, कब की बात है, मैं 155 साल का हो चुका, और वो कब की बात है, बहुत पहले की बात है वो, है ना, शुरुआत की थी मैंने उसी से, अब तो मैं केमिस्ट्री का ही हो गया, ऐसा नहीं, फिजिक्स आज भी बहुत, आप देखते नहीं हो, एक बार सर सॉल्विंग करा रहे थे, NTSC का पेपर सॉल्व कराया था उत्तर प्रदेश वाला, फिजिक्स वाले सर रोहित सर ने, तो आपने देखा नहीं था, 11 क्वेश्चन थे मैंने 7 सही कर दिए थे। और कब से छोड़ी हुई फिजिक्स, अभी भी मेंटी क्विज में मैं उनके क्वेश्चन ज्यादा बना देता हूँ, नहीं देखा आपने, अरे यार। चलो तो H2SO4 के बारे में क्या बता रहे गाइस, क्या ये पेरोक्साइड, ना पेरोक्साइड नहीं है, सो हमने बिल्कुल सही बता, सही कहा बिल्कुल यार, तो ये पेरोक्साइड नहीं है। अब जब ये पेरोक्साइड नहीं है तो मैं बिंदास क्या करूंगा, फर्स्ट पॉइंट था डबल बॉन्ड ओ बनाना, सेकंड था पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है नहीं तो मैं क्या करूंगा OH बनाऊंगा। आप बताओ कितने ऑक्सीजन बचे हैं, दो, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, दो, तो कितने OH बन जाएंगे गाइस, दो OH, ठीक है, फटाफट दो OH लगाओ ना, फटाफट दो OH लगाओ ना, बन गया। बेसिसिटी क्या आ जाएगी गाइस इसकी, बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ, दो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छे। चलो H2SO4 डाले गाइस, H2SO4 डाले, H2SO4 डाले, आइए H2SO4 डाले, H2SO5 बनाते हैं, H2SO5 पेरोक्साइड है क्या, 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 यस पेरोक्साइड है। तो ध्यान रखेंगे पहले S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और अब बनाएंगे पेरोक्साइड, चिल चिल चिल, पेरोक्साइड बनाओ, वैलेंसी पूरा कर दो, हाइड्रोजन हमेशा लगेगा, कितने ऑक्सीजन निकल लिए, चार, कितने ऑक्सीजन बचे, एक, कितना हाइड्रोजन बचा, एक, एक OH बना दो, हो गया H2SO5, हो गया H2SO5, डन H2SO5, बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ, बिल्कुल दो OH, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी गाइस, बेसिसिटी इज टू, डन है ना, सल्फर वाला भी हो रहा है ना, बोलो सल्फर वाला भी हो रहा है, यस, समझ में आ गई बात, कुछ भी उसी पैटर्न पे हम दो सल्फर वाला भी बना डालेंगे, ठीक है। अभिदीप अभी रिप्लाई देंगे दोस्त, अभी तो क्लास है, आप एक बार काम करो, मुझे 4:30 में 4:30 में एक बार ब्रेक मिलेगा, सो 4:30 में पिंग मी, थायोमीन्स सल्फर, सल्फर केशव, थायोमीन्स सल्फर, ठीक है। भूमिका थैंक यू, अभिदीप थैंक यू, सोम थैंक यू सो मच गाइस, चलो थैंक यू एंड हैट्स ऑफ एंड लव यू ऑल। अभी यहाँ पर बंद कर रहे हैं ऑक्सो एसिड वाले सेक्शन को, मुझे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बताने हैं, ऑक्सो एसिड साइक्लिक स्ट्रक्चर, अगले क्लास से फिर कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपने ऑक्सो एसिड को एंजॉय किया, अगर एंजॉय किया तो एक बार थम्स अप दो यार, प्यार दो थोड़ा, दिल भेजो जल्दी से, दिल और दांत साफ होने चाहिए, बार बार बताया आपको, और चमकते रहने चाहिए और दिखाते रहने चाहिए, है ना। चलो तो मैं आपको एक फटाफट यार थैंक यू एंड लव यू कर दूं और चलते गाइस, फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड लव यू सो मच गाइस एंड हैट्स ऑफ for the dedication। hats off लिखा है थोड़ा, जो भी हो गया, अभी सो मच, थैंक यू सो मच, है ना, हिट चे, थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच, अभी सो मच, सोम थैंक यू, भूमिका थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, सर संभल के गिर मत जाना, 3 घंटे से आता था, ओके बाय गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बहुत अच्छा लगा साथ आए आप, चलते हैं, बाय बाय, ओके टेक केयर, लव यू, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, इसको ये कर दिया जाए, या ऐसा कर देते हैं ये।